आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे। अपने हाथों को उठाएंगे, आज प्रार्थना में जाएंगे, अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। क्या आपको विश्वास है आज मैं आपके साथ हाथ उठा रहा हूं और आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी? Yes. आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगियों को बदलेगा, मुझे आशीषित करेगा और आपका आपके ऊपर अनुग्रह होगा। आज अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के, आज तेरे लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी, आज की शाम पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर इनके लिए मेरा ही कल लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ा छुटकारे को लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग आज बंधन में, किसी समस्या में, किसी परेशानियों में है पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज का कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीषों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं, आमीन बोलने वाले रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरा धन्यवाद करता हूं, और तूने छुआ और आशीषित किया इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए, 100 गुना फल लेकर आए प्रभु, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, जो मुझे देख रहे हैं लाइव में इस समय प्रभु, मेरी आंखों के ऊपर से और मेरे चेहरे के ऊपर से वो किरणें इनके ऊपर उतरे और ट्रांसफर हो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में, और आज से इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये जैसे हैं वैसे ना रहे परमेश्वर, आज से ये फेमस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं तेरा कलाम आज इनको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज का वचन मुझे छुटकारा देगा। आज हर एक व्यक्ति को छुटकारा लेने के लिए आज बोलने की जरूरत है और वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर आज आपकी जिंदगियों में बार बार कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, बार बार कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष लेने के लिए? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बढ़ोतरी करना चाहता है। लेकिन आज पूरी दुनिया के लोग किसी ना किसी परेशानियों में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है के बंधन को कैसे तुड़वाएं। मतलब अगर आज आप किसी बंधन में है, कर्जे में है, प्रॉब्लम्स में है, बार बार आपका नुकसान हो रहा है, बार बार आपका नुकसान हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप बंधन में है। कई लोगों को यही नहीं पता लगता कि मेरे ऊपर कोई बंधन पड़ा हुआ है। मतलब उनको सैलरियां मिलती हैं और वो नुकसान में चले जाते हैं काफी दिन, लेकिन वो सोचते हैं शायद ये नुकसान वैसे ही हो गया होगा, शायद मेरा बच्चा बार बार अगर एक्सीडेंट में गिर रहा है या चोट लग रही है, शायद वो ऐसा ही हो गया होगा। लेकिन नहीं, बाइबल आपको चेतावनी देना चाहती है, बाइबल आपको सावधान करना चाहती है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर आपका ख्याल रखना चाहता है, वो आपको सावधानियां देना चाहता है कि मेरे लोग सुरक्षित रहें। परमेश्वर अपने लोगों को वचन के द्वारा सुरक्षित रखता है, इसलिए बाइबल में लिखा कि वो अपने वचन को भेजकर मनुष्य को गड्ढे में से बाहर निकालता है। इसका मतलब आप किसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, मेरा परमेश्वर कैसे निराश हो सकता है, मेरा परमेश्वर कैसे मतलब कि टेंशन में रह सकता है, मेरा परमेश्वर आपको दुखी देखकर कहता है वो निराशा में, परेशानियों में, समस्याओं में नहीं जाता, लेकिन आपको उस खड्डे में से, जो आप निराशा के समस्या के खड्डे में पड़े हो, आपको बाहर निकालना चाहता है। आप निकलना चाहते हैं कि नहीं? आज आमीन बोलकर निकल आओ बाहर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि बहुत लोगों को नहीं पता कि हमें कैसे बंधन में से बाहर आना है और कौन से बंधन में हम फंसे हुए हैं। हमें जांचने की जरूरत है, बाइबल बोलती है हमें जांचना है। अगर आपका बार बार नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आप किसी बंधन में है। अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मतलब आप किसी बंधन में है। अगर बार बार कोई आपको फ्लोप हो रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं बार बार फ्लोप होते जा रहे हैं, बार बार फ्लोप होते जा रहे हैं, रुकावटें आती जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि आप किसी ना किसी बंधन में पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कह रहा है बंधन से बाहर आने का क्या तरीका है। अगर आप दो काम अपनी लाइफ में करते हैं तो कह रहा है कि आप बंधन से बाहर आ सकते हैं, बंधन टूटते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बंधन तुड़वाने पड़ते हैं, बंधन टूटते हैं, लेकिन उनको तुड़वाना पड़ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद हमारे सिर पे हाथ रखने से बंधन टूट जाएगा, भाई साहब ऐसे नहीं टूटेगा। कह रहा है कि अगर आप बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार समस्याओं में जा रहे हैं, कर्जे पर कर्जा आपके ऊपर आ रहा है, कोई नुकसान हो रहा है बार बार, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको फीलिंग्स हो रही है बार बार कि मुझे मेरे जीवन में, मेरे कामों में रुकावट हो रही है बार बार, इसका मतलब कि आज आपको बंधन तुड़वाने की जरूरत है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया कि बहुत सारे लोग जो आज ऑनलाइन कह रहे हैं कि अंत तक देखेंगे वीडियो को, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज मेरी प्रेयर से आपके ऊपर से बंधन
टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं विश्वास से कि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, अभी यहां बैठकर बोल रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनके ऊपर से बंधन तोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या इन्हें पूछ, क्या ये बंधन तोड़वाना चाहते हैं? इसका मतलब परमेश्वर अगर ये कह रहा है कि बंधन तोड़वाना चाहते हैं, इसका मतलब आपके अंदर दम होना चाहिए कि बंधन तोड़ने का दम, मतलब कि बंधन तोड़वाने का दम आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके फेस पर क्लियरिटी नहीं आ रही, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि आपके फेस पर क्लियरिटी नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का आत्मा आपके फेस पर कह रहा है गोल्डन क्लियरिटी देना चाहता है, आपके ऊपर व्हाइट क्लियरिटी आ रही है। तो आप अपनी जैसे अपने घर में आप एक व्हाइट लाइट जलाते हैं, लेकिन आप अपने घर में कौन सी लाइट जलाएं? पीली लाइट भी जलाएं। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके घर पे क्या होगा कि शाइनिंग आ जाएगी। हालेलुया, समझने वाला समझदार है। पीली लाइट जलाएं, उससे क्या होगा, परमेश्वर का आत्मा आपके चेहरे पर शाइनिंग देने लगेगा। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है, छुटकारे देना चाहता है और वो बंधनों को तोड़ना चाहता है। क्या आप तैयार है बंधन को तोड़वाने के लिए? Yes. आपको कई बार सिल्वर सिल्वर चीजें पसंद नहीं आती, गोल्डन चीजें पसंद आती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको वो वाली लाइट, आपको वो गोल्डन कलर की लाइट परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने फेस पर आने दो। वो कौन सी लाइट है, मतलब कि आप इंसान की लाइट को अपने ऊपर ले रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है कि वो वाली लाइट गोल्डन अपने अपने फेस पर आने दो। पवित्र आत्मा आज आपके छुटकारे होने के लिए देने के लिए तैयार है, आपको अद्भुत काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको इस समय छुटकारे लेने के लिए ब्लेसिंग को कहता है कि आपको लेना है। बाइबल कह रही है कि आज अपने हाथों को उठाओ और आज उस छुटकारे को ले लो। आज अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर कि मेरे ऊपर ये शाइनिंग उतर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके ऊपर ये शाइनिंग उतरेगी। और इसी समय बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो लोग पवित्र आत्मा के अनुग्रह में, परमेश्वर के लोग जो इस समय लाइव देख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा उनसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है, कहता है कि आज मैं तुम्हें छुटकारे देने के लिए जा रहा हूं, आज मैं तुम्हारे बंधन तोड़ने के लिए जा रहा हूं, आज सारे शराब खत्म करने के लिए जा रहा हूं। आज का कलाम आपकी जिंदगियों को आज आजाद कर देगा। जो कोई बंधन में है, जादू टोने के बंधन में है, जो कल काले जादू में है, पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया कि मैं आज इनके ऊपर से बंधन यीशु के नाम में तोड़ दूंगा, यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज का बंधन इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर से टूट यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना कि दो प्रकार से, मैंने आप बताया, कह रहा है कि अगर बंधन नहीं टूट रहा बार बार आपकी प्रेयर से, तो दो बातें याद रखना है आपने। अगर आप हालेलुया के नारे लगाते हैं, मैं कह रहा हूं बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। दूसरा काम कहता है कि आप दिन में कितनी बार मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को। कहता है अगर आप दिन में 3 बार मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को, तो 100% बंधन टूटेगा। बहुत लोगों को नहीं पता, अपनी डायरी में नोट कर लो कि जो लोग दिन में 2 बार मुंह दिखाते हैं उनके बंधन नहीं टूटने वाले। मैं फिर से कह रहा हूं कि 1 बार दिखा रहे हो आपके बंधन टूटते हैं, आप 2 बार दिखाते हो ठीक है टूटते हैं, लेकिन 3 बार कह रहा है कि जो 3 बार मुंह दिखा रहा है परमेश्वर को, तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, वो कह रहा है 7 दिन के अंदर उनके बंधन टूटते हुए नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती बंधन के बारे में हम कैसे जानते हैं, बंधन क्या होता है। देखो कह रहा है कि अब्राहम के ऊपर क्या था, बंधन था, अब्राहम के ऊपर बंधन था, और उसी समय परमेश्वर का आत्मा बताता है, कह रहा है कि वो उसकी जमीन का कोई भी लालच कर लेता था, जो वो कुआं खोदता था उसकी जमीन पर कोई ना कोई लालच करके बैठ जाता था। आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को समझाना चाहता है, कह रहा है कि आज आपके ऊपर भी कोई बंधन है, इसहाक के ऊपर सेम बंधन, कह रहा है कि जब उसने अपनी प्रॉपर्टी को खोदा, कह रहा है कुएं को खोदा, तो उसके कुएं का भी लालच कर लिया लोगों ने। इसका मतलब कोई ना कोई कर्ज, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई पाप ना किया हो, अगर आप पाप नहीं करते तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर से बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है इसहाक के ऊपर बंधन, बहुत सारे लोग रोते रहते पीटते रहते और ये बोलते रहते कि परमेश्वर कि मैं कहां जाऊं, मैं कैसे करूं, मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है, कोई ऐशो आराम नहीं है, क्या करूं मैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एंजॉय देने वाला परमेश्वर है, आनंद देने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको परमेश्वर ने आशीषित होने के लिए बुलाया, श्रापित होने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन अगर आज तक भी आपने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचने की जरूरत है कि मेरे पीछे बंधन कहां से पड़े हुए हैं। इसका मतलब आपके दादे परदादों से बंधन आ रहे हैं। अब्राहम ने कोई पाप नहीं किया भाई साहब, लेकिन अब्राहम के ऊपर से बंधन किसके ऊपर आया, इसहाक के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर आया। उसकी जमीन का कोई लालच कर लेता था। और उसके बाद देखो जब उसकी शादी हो गया, सेम प्रॉब्लम, उसकी बहू जो थी, कह रहा है कि उसकी रिबका, अब्राहम की बहू के ऊपर भी, रिबका के ऊपर भी वही बंधन जो सारा के पास बच्चा
नहीं था, इसका मतलब उसके पास भी ये बच्चा नहीं था। कई बार बहुत सारे बंधन जो है पुरखों के ऊपर से चले आते हैं, कई बार हमारे पाप के कारण चले आते हैं, लेकिन अगर आज भी कर जाए इसका मतलब आप बंधन में है। अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है इसका मतलब बंधन में है। अगर आज भी बार बार नुकसान हो रहे हैं, आप जो कशोप करते हैं, ढाबा खोलते हैं, होटल खोलते हैं, आप कोई रेस्टोरेंट करते हैं, आपके नुकसान हो रहे हैं बार बार, लेकिन इसका मतलब बंधन है। आपको जानने की जरूरत है कि यह बंधन मैं कैसे तोड़वाऊं। बाइबल बोलती है करा के बंधन टूटता नहीं है, तोड़ा जाता है। आज आमीन बोलकर तोड़ दो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि बंधन टूटेगा और आप 7 दिन के अंदर मुझे गवाहियां देंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके घर में बर्तन खड़कते हैं, अगर आपके घर में कोई दुष्ट आत्माएं आवाजें लगाती हैं, आपको लगता है कि रात को डर लगता है, अगर सांप बार बार आपके जीवन में आ रहा है, आपको रात को डरा रहा है, बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, आप 2 घंटे सो नहीं पाते, मैं कह रहा हूं आज से वो बंधन टूटने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास है बंधन को तोड़वाना पड़ता है, बंधन टूटेंगे आज। ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि आज ऑनलाइन चर्च के लोगों के लिए, चाहे वो आसाम से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, यूएसए से, पाकिस्तान से, करा यूपी से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब से, हिमाचल से, केरला से, करा जहां से भी, करा यूपी से, बंधन कोई भी देख रहा है, बंधन पड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज तू हाथ करना और आज मेरा आत्मा पीछे से बंधन तोड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास है आपको, विश्वास करना है। मैंने फिर से कहा बंधन टूटता नहीं है भाई साहब, चाहे आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन बंधन को तोड़वाना पड़ता है। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा बंधन तोड़वाने का। क्या ऑनलाइन चर्च आप सीखना चाहते हैं तो अपनी डायरी और अपने पेन ले, बंधन तोड़वाने का तरीका आप आज नोट कर ले। मैं कह रहा हूं कि अगर अपने फ्यूचर में भी अगर आप ये बात किसी को बता दोगे, अगर आज आपके रिश्तेदारों पर, आपके परिवार पर, आपका बच्चा अगर स्टडी कर रहा है फॉरन में, अगर बंधन पढ़ा है 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 12वीं में, या पीआर लेना है, बंधन पड़ा है लेकिन नहीं टूट रहा, करा मकान लेना है लेकिन नहीं हो पा रहा, जॉब लेनी है लेकिन आप बार बार गवर्नमेंट जॉब भरी जा रहे हो लेकिन बंधन पड़ा है, भाई साहब आज बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। आप शेयर करो, उन लोगों को बताओ, करा के और देखो आज की प्रेयर और आज का कलाम पवित्र आत्मा ये बंधन को तोड़ने के लिए जा रहा है आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। आइए हम बाइबल से देखते हैं कि बंधन तोड़वाने का क्या तरीका है। बाइबल बोलती करा दो बार, कहता दो काम करने से, कहता एक करा जब ज्यादा बंधन हो जाते हैं तो इसका मतलब कि आपको ज्यादा बार प्रेयर में जाना पड़ेगा। अब्राहम के ऊपर जब ज्यादा बंधन हुए, इसहाक के ऊपर ज्यादा बंधन हुए, मैं कह रहा हूं ठीक है आप एक बार प्रेयर करते हैं वो आपकी कैपेसिटी है, आप दो बार प्रेयर करते हैं वो आपकी हिम्मत है, 3 बार प्रेयर करते हैं भाई साहब कंपल्सरी है, लिख लो कंपल्सरी है, 3 टाइम प्रेयर करना कंपल्सरी है। करा अगर आपको बंधन तोड़वाना है तो बाइबल बोलती जकरिया के 14:7 को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें देखो क्या लिखा, 14:17 को क्या लिखा, जब जकरिया में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा वहां पर क्लियर बोलता है हमें, करा के ये लिखा है वहां पर, करा बंधन तोड़वाने के लिए आपको आना पड़ेगा। भाई साहब मुझे नहीं आना पड़ेगा आपके बंधन तोड़ने के लिए। अगर लोग बोलते हैं पादरी साहब हमारे घर पर आओ, साढ़े सिर पे हाथ रख दो, साढ़े कमरे में भी हाथ रख दो, साड़ी गड्डी पे भी हाथ रख दो, मैं आपको बता रहा हूं कई लोग ऐसा करते हैं, साड़ी पीठ पे भी हाथ रख दो, साढ़े बाला पे भी हाथ रख दो, साढ़े उठे भी हाथ रख दो, सोते शायद पादरी हाथ रखेगा और बंधन टूट जाएंगे। लेकिन पढ़ो और देखो इसमें क्या लिखा। हाँ हाँ पढ़े 14:17 और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे उनके यहाँ वर्षा ना होगी। यहाँ पर क्लियर लिखा करे के जो पृथ्वी के कुलों में से, चाहे वो किसी जाति में हो, चाहे वो किसी जात में हो, चाहे वो किसी देश में हो, चाहे किसी गांव का हो, चाहे आप कैसे भी हो, गरीब है, अमीर है, चाहे वो कैसा भी है, तो बाइबल कह रही है करे यहाँ पर क्लियर लिखा, जकरिया को कहा, बोलता इन लोगों से कह दे करे के पृथ्वी के कुलों के राजा लोगों को, करे हर जाति को यरूशलेम में दंडवत करने के लिए आना पड़ेगा परमेश्वर को। कहता है कि अगर आप इज़राइल के अंदर करा दंडवत करने के लिए आए हैं तो करा उन लोगों के ऊपर आज बारिश होने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। यहां पर लिखा करा कि जब वो दंडवत करने के लिए आएंगे तो उनके ऊपर बारिश करूंगा मैं आपको यही बताना चाहता हूं करा कि अगर आप लोग करा कि यरूशलेम नहीं जा पा रहे तो करा कि जब आप ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं इसका मतलब आप बंधन तोड़वा रहे हैं, तो आपके ऊपर बारिश होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर आदेश था कि राजा महाराजा लोग भी करा कि उनको यरूशलेम जाना पड़ता था, इसका मतलब कि फिर वही आदेश मूसा को दिया, कहता कि 7वें दिन इनको चर्च आना पड़ेगा अगर इन बंधन तोड़वाना है, करा इनको आना पड़ेगा अपने घर में आशीष की बारिश करवानी है। अगर आपके घर में आज तक चंगाई की बारिश नहीं हुई आज मैं कराऊंगा ऑनलाइन चर्च, आप क्यों घबराते हो, करा के घर में बरकत नहीं है, बस आपको विश्वास करना है, मैं आज
बारिश करवाऊंगा बरकत की। अगर आज आपके घर में धन नहीं है, शांति नहीं है, कह रहा बारिश नहीं हुई, कह रहा मैं आज धन की बारिश करवाऊंगा आपके घर में ईश्वर के नाम में। लेकिन आपको विश्वास करना है, मैं आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा मेरी सुनता है, मैं विश्वास करता हूं और वो मेरी सुनता है, मैं बोलता हूं वो करता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि मैं उसका बेस्ट बच्चा हूं। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं 3 बार परमेश्वर के चरणों में बैठता हूं, मैं दिन में 3 बार मुंह दिखाई देता हूं परमेश्वर को। बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि दो आपको 3 काम करने, आपकी उम्र 120 साल बनाई है परमेश्वर ने, और आप क्या करते हैं? बंधन टूटेंगे कैसे भाई साहब? जब आप 120 बार यीशु मसीह का, कह रहा हालेलुया का नारा नहीं लगाते, जब आप जाप नहीं करते हालेलुया हालेलुया, अगर आप 120 दिन में 120 बार भी हालेलुया बोले, तो मैं कह रहा हूं कि आपकी उम्र 120 साल होने वाली है, याद रखना, क्योंकि बाइबल में लिखा है, कह रहा मैंने उनकी उम्र 120 साल बनाई है। यह परमेश्वर का नियम है, और उसने नूह के टाइम से 120 साल बना दिया। लेकिन भजन संहिता में बोलता है, कह रहा है कि भले उनकी 120 साल उम्र हो, लेकिन अब तो 72 साल उनके रह गए हैं। कारण कहता है क्योंकि उनकी जुबान से हालेलुया नहीं निकलता, क्योंकि उनकी जुबान से गवाहियां नहीं निकलती, उनकी जुबान से सुसमाचार नहीं निकलता, उनकी जुबान से किसी को, कह रहा है कि किसी के लिए, कह रहा घर बैठकर प्रार्थना नहीं करते, कह रहा परमेश्वर को मुंह दिखाई नहीं देते, कह रहा परमेश्वर को मुंह नहीं दिखाते। यही कारण है, कहता है यही कारण है बंधन नहीं टूट रहे। अगर आप ये काम करने लगे जो मैंने जो अभी मुंह से बोला है, मैं फिर से बोलता हूं, कह रहा कि अगर आप सुसमाचार सुनाने जाएं, अगर आप प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें घर में 3 बार, कह रहा मुंह दिखाई दे, कह रहा कि और आप लोग सुसमाचार सुनाए, गवाहियां सुनाए अपने मुंह से, कह रहा कि आप पाप ना करें, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हालेलुया के नारे लगाएं 120 बार दिन के अंदर, तो परमेश्वर आपके ऊपर से बंधन तोड़ने वाला है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कौन से चक्कर में घूम रहे हो भाई साहब? सारे चक्कर में घूम रहे हैं, कभी कोई डॉक्टर में घूम रहा है, मेरे पास बच्चा नहीं है भाई साहब, बच्चा नहीं है भाई साहब। अरे अब्राहम भी घूम रहा होगा है, लेकिन बाद में कहां आया चक्कर काट के? परमेश्वर के पास मुंह दिखाने के लिए आया। इसहाक के पास, उसकी पत्नी के पास, रिबका के पास, अरे 20 साल हो गया बच्चा नहीं है, लेकिन बाद में क्या हो गया? करा घूम फिर के, फिर चक्कर काट के कहां आया? फिर आया परमेश्वर के पास। आज हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, हो सकता है आपके पास कोई बिजनेस ना हो, हो सकता है कि आप रिश्तेदारों के पास घूम रहे हो मांगने के लिए, या बैंक में घूम रहे हो लोन लेने के लिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चक्कर काटता रहा भाई साहब, चक्कर काटी जा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चक्कर, कह रहा है सिर्फ यीशु मसीह बंद करने वाला, आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो, आज मेरी प्रेयर आपके चक्कर बंद करवाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। जब हम निर्गमन देखते हैं 34:23-24 में देखते हैं, तो वहां पर क्या लिखा? बंधन तोड़वाने के लिए इसहाक ने क्या किया? यहां बाइबल बताती है कि दिन में 3 बार, कहता हमें क्या करना है? यहां बाइबल में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, क्लियर। हाँ हाँ पढ़े। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इज़राइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर, कह रहा है मैंने बताया, कह रहा है कि उसके 23 में लिखा, कह रहा है कि सब यरूशलेम के लोगों को बताया गया, कह रहा है दिन में 3 बार, कितनी बार? 3 बार मुंह दिखाना है। फिर से पढ़ इसको, 3 बार, 3 बार तेरे सब पुरुष इज़राइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं, मुंह दिखाएं। इसका मतलब भाई साहब आपको 3 बार मुंह दिखाना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, ये पादरी नहीं बोल रहा, बाइबल में लिखा है 3 बार मुंह दिखाना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं जो मुंह दिखा रहा है उसके बंधन टूटने वाले, आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हम लोग मुंह नहीं दिखाते परमेश्वर को, सुबह उठते हैं अपनी पत्नी को मुंह दिखाते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हस्बैंड, अरे उसको मुंह दिखाने का कोई फायदा नहीं है। उठो और कह रहा है पहले परमेश्वर को दिखाओ। मैं आज तक, जब से मैं प्रभु में आया, आज मुझे 2008 से मैं प्रभु में आया, लेकिन मैंने पहले किसी को मुंह नहीं दिखाता, मैं पहले परमेश्वर को मुंह दिखाता हूं। बेड पे मैं नीचे नहीं उतरता, पहले मैं प्रभु को मुंह दिखाता हूं। कहां दिखाओगे मुंह? बाइबल के अंदर। उठते ही मैं बाइबल खोलता हूं। कुछ लोग उठते ही प्रेयर करने लग जाते हैं, मुंह भी नहीं धोते, सड़ैंद आती है भाई साहब मुंह में से, पहले कुरला करो फिर जाओ। परमेश्वर ऐसे नहीं पसंद करता, परमेश्वर का भी स्टैंडर्ड है कोई। परमेश्वर के पास जाना है तो ढंग से जाओ, ईमानदारी के साथ जाओ, अपना स्टैंडर्ड बनाओ। मैं कह रहा हूं कि फीलिंग्स लेता है, आप फीलिंग्स लो, परमेश्वर मेरे आमने सामने बैठा है। हाँ, परमेश्वर के सिंहासन के आमने सामने हम, परमेश्वर कैसे नहीं सुनेगा आपकी? सुनेगा। लेकिन कह रहा है कि मुंह धो, सुबह उठते हैं, उठते ही नाम लेना शुरू कर देते हैं भाई साहब। कह रहा है पहले मुंह धो और बुरुश करो, कहता है कि जाकर, कहता है बाइबल को खोलो, कह रहा मुंह दिखाओ। आप परमेश्वर को मुंह दिखा रहे हैं। अगर कोई दुल्हन बिना मुंह धोए और बिना बुरुश करे अगर दूल्हे के सामने बैठ जाए, क्या लेके जाएगा भाई साहब? वो लेके नहीं जाएगा बिल्कुल भी। अशोक लेके जाता तू अपनी पत्नी कुमोद को?
अगर मुंह बिना मुंह धोए आ जाती तो ये हमारा पास्टर कह रहा है मैं नहीं लेकर जाता। मैं यही बता रहा हूं, कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर बाइबल बताती है मुंह दिखाई तो देनी पड़ेगी। कई लोग बस यही करते हैं, मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को, लेकिन मुंह दिखाई नहीं देते। दुल्हन को जो घूंघट जब उठाती है, जब मुंह दिखाई देते हैं उसको, याद रखना कि बाइबल में जो कुछ लिखा है ना उसको अमल करना पड़ेगा। जब आप अमल करते हैं, मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक मेन बात लिखी है, कुछ लोग परमेश्वर को सिर्फ मुंह दिखाते हैं लेकिन उनकी जमीन पे लालच है, उनके घर पे किसी का लालच है, उनके घर पे किसी का कब्जा है, उनकी हड्डियों पे किसी शैतान का कब्जा है, उनकी नसों पे, उनके हार्ट पे कब्जा है शैतान का। लेकिन अगर आज कब्जा है, मैं छुड़वाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन वचन आपको आजाद करेगा जब आप वचन को सुनोगे। आगे पढ़ इसके 24 में क्या लिखा, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। क्लियर लिखा है, कह रहा है कि जब तू मुंह दिखाने 3 बार आएगा तो कह रहा है कोई भी शैतान का बच्चा तेरी भूमि का लालच नहीं करेगा। सीक्रेट दे रहा हूं आपको, आपको बता रहा हूं कि आपने बहुत पैसा कमाया, फॉरेन में बिताए, आपने पीआर ली, बड़ी मेहनत किया, फैक्ट्रियां लगाई, सब कुछ किया, बच्चे पाले पोसे, बड़े किए, लेकिन थोड़े दिन में पता लगता है लोगों को कि यार हमारा पैसा मार लिया किसी ने। अरे कैसे मार लिया तेरा पैसा, अरे नुकसान हो गया, आग लग गया, कुछ हो गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है, अगर तू मुझे 3 बार मुंह दिखाता है, बाइबल में लिखा तेरी धरती का, तेरी जोरू का, कह रहा है तेरे बच्चों का कोई लालच नहीं करेगा। याद रखना, तेरे बैंक बैलेंस का, तेरी गाड़ियों को कोई लालच नहीं करेगा, क्योंकि यहोवा तेरे संग संग रहेगा। और उस शैतान को घुड़कने वाला परमेश्वर आज घुड़क रहा है आपके ऊपर से, यीशु मसीह के नाम में। और इससे मैं अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर आज से मैं 3 बार तेरे को मुंह दिखाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं 3 बार मुंह दिखाऊंगा। आप 3 बार मुंह दिखाओगे कि नहीं? यहां पर आप देख सकते हैं, पड़ोसी को आप बोल रहे हैं 3 बार मुंह दिखाऊंगा। मैं देखता हूं कई बार कि मुसलमान लोग कितनी बार प्रार्थना करते हैं, मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को, वो अपने खुदा को वो जब प्रार्थना करते हैं 5 बार दिखाते हैं। हिंदू लोग कितनी बार प्रेयर करते हैं, कह रहे 3 बार, कह रहे और कह रहे यहां पर एलिया कितनी बार करता है, 7 बार, कहता 7 बार। आपके अंदर दम होना चाहिए परमेश्वर को मुंह दिखाने का। अगर आप परमेश्वर को मुंह दिखाते हैं तो उसने वादा किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, कह रहा तेरी भूमि का कोई लालच नहीं करेगा अगर तू मुझे 3 बार मुंह दिखाने आएगा। इसका मतलब साल में 3 बार कह रहा था परमेश्वर खुली छूट दे रहा दूर वालों को, लेकिन अगर आपके अंदर दम है परमेश्वर से कुछ लेने का, बंधन तोड़वाने का, तो आपको करना है, कह रहा कि मैं आज से 3 बार कह रहा परमेश्वर को मुंह दिखाया करूंगा, प्रेयर के अंदर, वचन के अंदर, बाइबल के अंदर। अगर आप ऐसा फैसला ले रहे हैं, कह रहा हूं कि बंधन टूटने वाले हैं, चर्च आज आपके चक्कर खत्म होने वाले हैं, चर्च आपकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, आज आपकी समस्या जाने वाली है, आज जिसका चीज पर आप हाथ लगाओगे, मैं आज ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं 7 दिन के अंदर आपकी गवाही आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए। कहो आज परमेश्वर से कि हां परमेश्वर, कि मैं आज से तुझे 3 बार मुंह दिखाऊंगा। मैं एक बार प्लेन में सफर कर रहा था, मैंने देखा भाई साहब एक मुसलमान ने वहां भी चद्दर बिछा ली नीचे। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा, कहता टाइम हो गया भाई साहब अपना। मैंने कहा देखो हम कई बार ऐसे लोगों से सीखते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब हम दूसरों को देखकर सीखते हैं कई बार। आपको इन बातों को समझना है। कह रहा है इसहाक को 20 साल, कहता उसकी पत्नी को 20 साल तक जब बच्चा नहीं हुआ तो उसके उत्पत्ति के 25 के 21 में देखो क्या लिखा कि उसने दिन में 3 बार प्रार्थना करना शुरू किया। इसहाक ने जब उसने दिन में 3 बार प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने 20 साल का बंधन तोड़ दिया। अगर आप 20 साल का बंधन नहीं टूटा, अगर 40 साल का बंधन नहीं टूटा, बांझ है, प्रॉब्लम है, कैंसर है, शुगर है, टाइफाइड है, थायराइड है, अरे कैसे नहीं जाती बीमारी। मैं कह रहा हूं 3 बार मुंह दिखाओ परमेश्वर को, परमेश्वर को 3 बार मुंह दिखाओ। मेरा पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर से बंधन तोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है कि कह रहे कि बहुत सारे लोग कह रहे नहीं आ पाते, नहीं आते दूर से, कहते तू ऑनलाइन चर्च उनको वचन से बता और फिर उनके लिए प्रेयर कर। अगर जो रिसीव करे इस बात पर और जो वचन को सुनने के बाद कहे कि हां पापा मैं ऐसा करूंगा, तो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा जब तू प्रेयर करेगा मैं घुस जाऊंगा उनके घर में, घुस जाऊंगा उनकी हड्डियों में, घुस जाऊंगा उनकी नसों में और उनके बिजनेस में, 7 दिन के अंदर उनकी बदल दूंगा उनकी स्टोरियों को यीशु मसीह के नाम में। आपको बदलवानी है अपनी स्टोरियां। मेरा परमेश्वर है, वो जिंदा है, आपको विश्वास करना है, निराशा से बाहर आओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है यहां कौन था, यहां निराश हो चुकी थी इसकी औरत। पढ़े वहां, पढ़ जरा, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की
और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। देखो यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ क्लियर लिखा यहोवा से उसने नियमित टाइम पर, इसका मतलब कि उसने अपना टाइम टेबल फिक्स किया और इसहाक ने और परमेश्वर ने उसको करह के फल दिया, उसकी पत्नी को बच्चा दिया, मतलब गर्भ में आशीष दिया। लेकिन आप एक बात देखें कि बंदा क्या कर रहा है, इसका मतलब कि ये जोश दिखा रहा है अपना कि नहीं परमेश्वर मैं अपने टाइम टेबल पर करह कार्य करूंगा, परमेश्वर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर आपने अपना कोई टाइम टेबल बना लिया है कि नहीं परमेश्वर मैं 3 बार मुंह दिखाया करूंगा दिन में तुझे, मैं कह रहा हूं कि आज ही बंधन टूटने वाले हैं चर्च आपके यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूटते नहीं है, मैंने फिर कहा शुरू में बंधन को तुड़वाना पड़ता है चर्च। आपको बंधन तुड़वाने के लिए आपको यरूशलेम आना पड़ेगा, करा के अनॉइंटेड प्लेस पर आना पड़ेगा। जब लॉकडाउन खुलता है, अगर आप कहीं से मुझे देख रहे हो, असम से देख रहे हो, केरला से देख रहे हो, बॉम्बे से देख रहे हो, महाराष्ट्र पाकिस्तान कहीं से देख रहे हो, भाई साहब आपको तुड़वाने आना पड़ेगा। अगर आपको नहीं टूट रहा बंधन, ठीक है कई बार परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह ने सिर पर हाथ रखे लोगों के और बंधन टूट गया, कई बार लोग प्लेस पर गए और बंधन टूट गया। लेकिन अगर आज आप मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि जब जो प्रचार होता है उसी तरीके से काम होता है, अगर ये वचन आज बंधन तोड़वाने वाला वचन है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। अगर आप खुश नसीब लोग हैं, अगर आप दूर भी बैठे हैं लाइव के अंदर, ऑनलाइन के अंदर, मैं कह रहा हूं अगर बच्चा आप तक स्टडी में फेल हो रहा है, मैं कह रहा हूं अगर आपका बिजनेस फेल हो रहा है, अगर आज भी आप चक्कर काट रहे हैं डॉक्टरों के या दवाइयां खा रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बंधन नहीं टूट रहा, आज बंधन टूटेगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन बंधनों को तोड़वा रहा है, आपका आमीन, आपका जोश, आपका हालेलुया बंधन को तोड़वा रहा है। मैंने कहा कि दो काम करने वाले, यहां पर इसहाक ने इस बात को समझा और इसहाक ने क्या किया, इसहाक ने फैसला किया कि मैं 3 बार मुंह दिखाया करूंगा परमेश्वर को। और देखो बंधन टूट गया, 20 साल का बंधन, इसका मतलब पहले नियमित सीमा पर नहीं जाता था और 3 बार मुंह नहीं दिखाता था, इसीलिए 20 साल लगाए परमेश्वर ने। और उसी समय क्या हो गया कि इसके बाद उसकी पत्नी जाकर क्या कर रही है, उसकी पत्नी जाकर इसके 25 के 22 में बोलती है, करे कि वो औरत सुबह उठकर क्या करती थी, पहले अपने पति को गुड मॉर्निंग करती थी, ये भी मुंह नहीं दिखाती थी। लेकिन पढ़ो देखो क्या लिखा, लड़के उसके घर में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे, तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ क्लियर लिखा करे कि जब वो गर्भवती हो गई तो गर्भवती होने के बाद करे इस औरत ने करे कि ये पहले प्रार्थना नहीं करती थी, ये भी प्रार्थना में कमजोर थी। हो सकता है कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका पति प्रार्थना में कमजोर हो, लेकिन आज मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज आपकी कमजोरी जाने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन ये प्रार्थना में कमजोर थी और ये क्या करती थी, ये जाती है इसहाक के पास और जाकर बोलती है इसहाक के सवेरे उठ के अपने पति को मुंह दिखाती है, बोलती है गुड मॉर्निंग इसहाक, गुड मॉर्निंग, खुश करती है उसको। लेकिन उसी समय उससे जाकर बोलती है, कहती मुझे बच्चा दे नहीं तो मैं आज मर जाऊंगी। और उसी समय इसहाक को गुस्सा आ गया, इसहाक ने कहा, बोलता है करा कि मैं कोई भगवान हूं, बोलता है मैं तुझे बच्चा दूंगा, कहता है अरे मुंह दिखा परमेश्वर को, मुझे रोज मुंह दिखा। आज भी पत्नियां अपने पति को मुंह दिखाती हैं, आज भी सुबह उठकर अपने बच्चों को मुंह दिखाती हैं। पहले परमेश्वर को मुंह दिखाई दो, पहले परमेश्वर को मुंह दिखाई दो। याद रखो करे के दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और पिया वही करे वो ट्रकों में लिखा होता है जो रात को पी कर आए और पत्नी को 2-4 चाटे लगाए। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि दुल्हन वही करे के जो पिया मन भाए। अगर आप पिया अपने पिया को नहीं खुश कर सकते तो कैसे उससे आशीष पाएंगे। वो कह रहा है कि पति तो पावन परमेश्वर साडा, मतलब वो परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, कहता है कि दुल्हन को कहता है चाहिए दूल्हे को अपना मुंह दिखाए, लेकिन वो दूल्हा आपका यीशु मसीह है, आपको सुबह उठकर उसको मुंह दिखाना है। लेकिन यहां इसहाक को मुंह दिखा रही है और इसहाक ने इसको डांट लगाई, बोलता है मुझे नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, उसको दिखा अपना मुंह, मैं भी 3 बार टाइम पर अपना मुंह दिखाता हूं। और उसने इस बात को सीखा और समझा और उसके बाद इसने कहा ठीक है मैं भी जाया करूंगी अब। और उसके बाद ये गर्भवती हो गई और उसके बाद फिर इसके पेट में जब बच्चे हुए तो वो दोनों एक दूसरे को घुसुन मारने लगे। इसको नहीं पता कि वो जुड़ हुए हैं, लेकिन इसके पेट में जब पीड़ा होने लगी और मौत जैसी पीड़ा होने लगी तो यहां लिखा इसके 35 के 22 में, इसके 34 के कितने में लिखा, 25 के 22 में, हाँ क्लियर लिखा 25 के 22 में, कि उसके पेट में जब पीड़ा होने लगी और उसी समय उसके गर्भ में जब प्रॉब्लम हुई तो उसी समय बोलती है करी साथ अब मैं यहोवा से पूछने जा रही हूं। इसका मतलब पहले तुझे नहीं पूछना था, पहले यीशु के पास नहीं जाते थे लोग, पहले परमेश्वर के पास नहीं जाते थे मुंह दिखाने के लिए, लेकिन इसको जब गर्भ में कोई पीड़ा हुई तो ये परमेश्वर से पूछने के लिए गई कि ये मेरी पीड़ा कब तक रहेगी, तू मेरे ऊपर दया
करेगा कि नहीं करेगा। अगर आज आपको कोई पीड़ा आपके शरीर में तंग कर रही है तो मैं कह रहा हूं कि आज सुबह उठकर परमेश्वर को कह रहा है कि दिन में 3 बार मुंह दिखाओ, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी पीड़ा को खत्म करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे शरीरों में से पीड़ा भागने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप पीड़ा को खत्म करवाना चाहते हैं कि नहीं? लेकिन कुछ लोग अपनी पीड़ा को और बढ़ाते रहते, रोते रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि बाइबल कह रही है रोने से करा और चिल्लाने से घर में अकेले बैठकर पीड़ा खत्म नहीं होती, करा जब तक आप परमेश्वर के सामने करा मुंह नहीं दिखाते और प्रार्थना नहीं करते। अगर अब तक पीड़ा खत्म नहीं हुई, मैं कह रहा हूं अगर किसी को कैंसर है, शुगर है, थायराइड है, यूरिक एसिड है, मैं कह रहा हूं कि जब मैं प्रार्थना करता हूं बहुत लोगों की हीलिंग होती है, आश्चर्यकर्म होते हैं और गवाही आती है मेरे पास। मैं कह रहा हूं कि अब तक करा 24 कोरोना वायरस के पेशेंट ठीक हो चुके हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे, जो हमारे पास मेन रिपोर्ट वाली गवाहियों की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को चंगा कर चुका है और बहुत लोगों ने डर के मारे गवाहियां नहीं भेजी अपनी। लेकिन हमें दिखाने का कई बार लोग जो है ऑब्जेक्शन करते हैं, इसलिए दिखा नहीं पाते हम। लेकिन पवित्र आत्मा बता रहे हैं अपने लोगों को, कह रहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। लेकिन अगर आप 3 बार मेरे कहने से, आज वचन के कहने से 3 बार मुंह दिखाई दोगे तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज हर एक बड़े से बड़ा बंधन, शरीर में पीड़ा पड़ी हुई, कैसी पीड़ा हो, कह रहा कि आज वो बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके चक्कर बंद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आपके छुटकारे होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन उसको छुटकारे को लेना पड़ता है, आप लेने के लिए तैयार है कि नहीं? यहां रिबका ने इस बात को समझ लिया, मतलब आपकी क्या रिबका की भी क्या सबकी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, क्या रिबका की भी ये प्रॉब्लम थी? अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम को तुड़वाना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। और रिबका जब वहां पर गई तो बाइबल बोलती है, कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है उसको जुड़वा बच्चे, वो उसके साथ आशीषित बच्चे हुए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मेरा परमेश्वर है वो आपकी पीड़ा को खत्म करना चाहता है। लेकिन बाइबल बोलती है 3 बार प्रेयर करना कंपलसरी है। दानियल 3 बार प्रेयर करता था, 3 बार मुंह दिखाना परमेश्वर को कंपलसरी है। अगर आपने इज़राइल के परमेश्वर को कह रहा है कि सिर्फ प्यार किया और दिन में 3 बार मुंह नहीं दिखाया, मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब कि बंधन नहीं टूटने वाला, बड़े से बड़ा बंधन, कह रहा है कि आपको ज्यादा बार प्रेयर करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा प्रॉब्लम्स में हैं तो ज्यादा प्रेयर करें। एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा अगर इनकी आज कैसी भी प्रॉब्लम्स हो तो मैं आज इनकी प्रॉब्लम्स का हल बताऊंगा। कह रहा है कि 120 बार मैं कह रहा हूं कि यह पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया आज। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग नए हैं और जो लोग थक चुके हैं, जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के कोई बंधन नहीं टूटते, जो 14 साल 15 साल क्रिश्चियन हो गए हैं और उनको लगता है कि शायद हमने बहुत गलतियां की हैं और अब कोई बंधन नहीं टूटने वाला, हम ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं आपके ख्वाबों को पूरा कराऊंगा, अपने ड्रीम्स को दबाओ मत, बाहर निकालो अपने ड्रीम्स को। अगर आप होटल खोलना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बाइबल में लिखा भाई साहब कह रहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन 3 बार मुंह तो दिखाओ, करा मुंह दिखाई तो दो, अरे दान भेंट दशमांश तो दो, करा मुंह दिखाई तो दो, कथा कर देते हो, करा देखो परमेश्वर का चमत्कार कैसे होने वाला है, आपकी लाइफ में मिराकल होने वाले हैं, परमेश्वर करने वाला आज रात मिराकल। मैं कह रहा हूं फिर से 7 दिन के अंदर रिबका ने जिस दिन 3 बार मुंह दिखाना शुरू किया उसके 7 डे Only for 7 days में उसने उस आशीष को पाया। कहा 20 साल का बंधन 7 दिन में उसने तोड़वा लिया। परमेश्वर का आत्मा है, अगर आज आपके अंदर यह विश्वास है तो रिबका की प्रेयर के बाद उसको गर्भ में शांति मिली, याद रखना। कहता है कि वो आपको शांति की जरूरत है। और यहां पर कह रहा उसके पेट में जो पीड़ा हो रही थी तो उसी समय, लेकिन हम एक बाइबल में जब हम देखते हैं उत्पत्ति 25:26 में एक रहस्य सीक्रेट छिपा हुआ है, मैं आज आपको वो सीक्रेट बताऊंगा। और वो सीक्रेट आपके जानने के बाद मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा पड़े हुए बंद बिजनेस खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज बंद पड़े हुए काम खुल जाएंगे। अगर अब तक भी आपको लगता है कि मेरे ऊपर शायद कोई बंधन है या किसी ने जादू टोना कर दिया या काला जादू कर दिया इसलिए मेरे काम रुके हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज का वचन, आज का कलाम कह रहा है आपके लिए, कह रहा उत्पत्ति के 25:26 में लिखा, कह रहा है कि आज ये सीक्रेट जानने के बाद कह रहा है कि एसाव और उसके लड़के कह रहा याकूब के ऊपर से बंधन टूट गया, अरे इसाक और कह रहा है रिबका के ऊपर से बंधन टूट गया। जब मां बाप के ऊपर से, वंश के ऊपर से बंधन टूट गया तो आपके ऊपर से बंधन नहीं टूटेगा क्या? लेकिन एक बात याद रखना, किसी के ऊपर बंधन 40 साल, किसी के ऊपर 100 साल, सारा के ऊपर 90 साल, 20 साल, ये सच है। आज भी बहुत लोगों के ऊपर बंधन पड़ा हुआ है, लेकिन बंधन आज टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं, हाँ पढ़ेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। क्या लिखा? कि उसका भाई एसाव
पैदा जब हो रहा था, गर्भ में से निकल रहा था, तो उस समय एसाव जो था वो बड़ा भाई था, लेकिन याकूब जो है छोटा भाई था, और वो कैसे बाहर आ रहा था, अपने भाई की एडी पकड़कर। हाँ हाँ पढ़े। और उसका नाम याकूब रखा गया। हाँ। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। सारे बोलो हालेलुया। देखो 60 वर्ष, इसका मतलब 60 साल बाद बंधन टूटा उसके ऊपर से। और यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि एडी पकड़कर मैं पूछ रहा था परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा जी मेरी समझ में नहीं आई ये बात, कह रहे जब एसाव पैदा हो रहा था, जुड़वा बच्चे जब पैदा हो रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि एडी पकड़ के बाहर आ रहा है, लेकिन वो तो अपने भाई की एडी पकड़ के वो बाहर आ रहा है। एडी का क्या रहस्य है मुझे बता, मैं आज आपको रहस्य बताता हूं, सीक्रेट बताता हूं कि ये एडी का एक रहस्य था कि जब उत्पत्ति के अंदर आदम और हव्वा ने जब पाप किया था तो परमेश्वर ने सांप को शराप दिया था और हव्वा को शराप मिला था, कह रहा है कि अब तू सांप, कह रहा आज से हव्वा की संतान जो वंश है वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू कह रहा इंसानों की एडी पर डसेगा। उसको कहा एडी पर डसेगा, इसका मतलब ये सीक्रेट है, कह रहा इसका मतलब कि शैतान को मतलब पता है, जो लोग दिन में 3 बार मुंह नहीं दिखाते उनके पैरों में गड़बड़ी डाल देना है, मतलब उसका ऑफिस इधर खुलना चाहिए लेकिन इधर खुल जाता है। इसका मतलब एडियां आपकी शैतान ने पकड़ी हुई है और बहुत लोगों को नहीं पता, कह रहा कि वो डॉक्टर पे सही डॉक्टर पे जाना होता है लेकिन ये शैतान दूसरे डॉक्टर पे ले जाता है। आप कौन सी गाड़ी से जाते हो, 9-2-11 की गाड़ी से जाते हो, आप अपने पैर की गाड़ी से जाते हो भाई साहब, आप किसी हेलीकॉप्टर से नहीं जाते, लिए कह रहा है कि आपके एडियो से चलता है, एडियो से सारा सिस्टम ही एडियो से है। यहां पर कह रहा है जब यीशु मसीह ने कहा, कह रहा मैंने तुम्हें तुम्हारे पर अधिकार दे दिया है, तुम सांप और बिच्छू के आप पैरों से एडियो से खत्म कर दोगे, पैरों से रोंदोगे तुम सांप और बिच्छू को। इसका मतलब कि पहले शराब कहां था, पुराने नियम में पैरों में था, इसका मतलब आज भी पैरों में है, इसलिए कई औरतों के पैरों में घुंघरू बंधे रहते हैं 24 घंटे भाई साहब घर से बाहर, 24 घंटे घर से बाहर, आज भी दुकान पे जा रही, आज भी छोले खाने जा रही, आज भी बाजार में खड़ी, इसका मतलब क्या है, पैरों में घुंघरू बांधने की जरूरत नहीं है, कह रहा कि आज उनके लिए प्रेयर करने की जरूरत है, कह रहा कि आज भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं शराब पीने के लिए दुकान पर जा रहे हैं, उनके पैर बांध के बच्चे रख रहे हैं, उनके मां बाप रख रहे हैं संगलों से बांध रहे हैं, अरे उसके पैर बांधने की जरूरत नहीं है, अगर आप मुझे नेपाल से, आसाम से और तेलंगाना से, करा केरला से, अगर पंजाब से, हरियाणा से, करा दुबई से, पाकिस्तान से सुन रहे हो, अगर आपके घर में कोई नशा करता है, पैर बांधने की जरूरत नहीं है, आज ये वचन सुनाने की जरूरत है और ये प्रेर दिखाने की जरूरत है, आज आपके पति के पैरों के ऊपर से जो शराबी है, जो कह रहा खर्चालू औरत है, करा आज बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में, करा ये शराब था, करा एडियो पर डसेगा, आज डसता नहीं है, याद रखना, करा के पैरों को गलत दिशा में मोड़ देता है, पैरों को गलत दिशा में ले जाता है, बच्चे खराब हो जाते हैं, कह रहा इसलिए पैरों के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते इस रहस्य को, लेकिन जब मैं प्रभु बना था, एक अमेरिका की एक औरत ने, एक पास्टर ने एक मेरे पैर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया था, मैंने कहा लोग सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, अरे तू कैसी औरत है, मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन वो इंग्लिश और हिंदी में हमारी ट्रांसलेशन कमजोर थी, तो उसी समय उसको समझ में नहीं आया क्या कर रही, लेकिन मैंने उसको पूछा, वो कहती मैं इसके पैरों पर आशीष दे रही हूं, और यीशु मसीह ने क्या कहा, कहता है तुम्हारे मैं पैरों को ब्लेस करता हूं, कह रहा कि तुम्हारे पैरों में सुसमाचार के जूते हो, कह रहा कि इसलिए सुसमाचार के जूते अपने पैरों में पहन लो, परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के पैरों को शुद्ध करना चाहता है, और यीशु मसीह यही बात बताना चाहता है अपने लोगों को, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है उनके पैरों में, कह रहा जब आप किसी के घर पर जाते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि यार ये बंदा मेरे घर पे आया था और मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई, इसका मतलब पैरों पे शराब है किसी के, और कई बार किसी व्यक्ति के, कल भी मैं एक लड़की को बोल रहा था, कल भी मैं एक परिवार को बोल रहा था, वो दोनों भाई बहन आए हुए थे अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो मैं उसको बोल रहा था, मेरी वाइफ उसको बोल रही थी, जब प्रेयर कर रही थी तो हम आपस में उसके उनके लिए बता रहे थे कि आज तेरे पैर इतने शुद्ध हैं, तू हमारे चर्च में आई है और एक हमारा काम हल हो गया यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज हमारे चर्च में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि किसी के आने से और किसी के जाने से आज बंधन टूटने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। तो आज यहां पर एडियों का एक रहस्य था, और यहां पर मैं उस एडी के बारे में जब पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि ये सांप ने सांप को शराप मिला हुआ है कि वो एडी को पकड़ सकता है, आपके पैरों को पकड़ सकता है, आपके पैरों पर प्रॉब्लम्स है, इसलिए कहता है उसको तुड़वाना पड़ता है। अरे मैंने कहा बंधन टूटते नहीं है, तुड़वाने पड़ते हैं, लेकिन वो टूटते कैसे है, मैंने कहा प्रभु फिर वो टूटे हैं कैसे, प्रभु ने मुझे कहा याकूब, देखो याकूब ने उस बंधन को तुड़वाया, जब वो पैदा हुआ वो एडी पकड़ के पैदा हुआ, इसका मतलब साइन, इसका मतलब क्या था कि दम वाले लोग प्रार्थना में दम वाले लोग जो परमेश्वर के पैरों में पड़े रहेंगे, प्रभु के चरणों में पड़े रहेंगे,
करेंगे वो बंधन तुड़वाएंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। जे एडी इसका मतलब याकूब की कहानी पढ़ो आप। याकूब क्या था? याकूब ने सारी रात मलयुद्ध किया और परमेश्वर के पैरों को पकड़ लिया, बोलता है मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, और उसी समय बोलता है मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, कह रहा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, जब तक तू मेरे ऊपर से वंश, मेरे वंश के ऊपर से शराब खत्म ना करे। और परमेश्वर ने कहा तू आज से फेमस होगा। पवित्र आत्मा ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवार को ढूंढ रहा है जो लोग कह रहे कि तीन बार मुंह दिखाते हैं और परमेश्वर के सामने उसके पैरों में पड़े रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आपके बच्चों के पैरों के ऊपर से, आपके पति के पैरों के ऊपर से, आज आपके पैरों के ऊपर से शराब टूट रहे चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज आपके बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और भविष्यवाणी करता हूं 7 दिन के बाद आप जहां भी पैर रखेंगे सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करना इस भविष्यवाणी को। मैं ऐसे ही बोलता, आत्मा जब मुझे बोलता है मैं बोलता हूं। याद रखना यह परमेश्वर का प्लान है आपकी जिंदगियों में। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग नेपाल से मुझे देख रहे हैं, वो आशीषित होंगे। पंजाब वाले लोग आशीषित होंगे, बहुत लोग पाकिस्तान से, इंडिया से देख रहे हैं, आशीषित होंगे। फॉरेनर लोग आशीषित होंगे। मैं कह रहा हूं कि आज आपके पैरों के ऊपर से वो शराब टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। जब आप देखते, मैंने देखा, और उसके बाद हम देखते हैं व्याभिचारिणी स्त्री जब आई, उसने यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डालकर उसके पैरों को छोड़ा नहीं और बालों से साफ कर रही है। इसका मतलब क्या है? दम दिखाओ। आज आप अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को दम दिखाओ, आपके ऊपर से बंधन टूटने वाले यीशु मसीह के नाम में। लेकिन शैतान क्या करता है? जब आप ऑनलाइन चर्च की बातें सुन रहे हो इस समय, शैतान क्या करेगा? इस समय आपके पैरों को उठाने की कोशिश करेगा। अभी क्या करेगा? नहीं नहीं यार, खाने का टाइम हो गया, नहीं नहीं यार अभी कोई बाहर गेट पर आ गया, घंटी बज रही है, चल यार। अभी क्या करेगा? अभी आपके एड़ियों को, एड़ियों में एक रहस्य छिपा हुआ है आपके। जब ऑनलाइन चर्च चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि अभी मुझे प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं वचन सुना रहा हूं। स्वर्गदूत यहां से काम कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और मेरे ऊपर से किरणें जा रही हैं। आज आपके ऊपर से बंधन टूट रहे हैं। बच्चा कमजोर है, आज से तकड़ा होगा। स्टडी में कमजोर है, आज से नंबर वन होगा, याद रखना। मैं कह रहा हूं बिजनेस नहीं चला, चलेगा। जॉब नहीं मिली, मिलेगी। अरे जो कुछ नहीं हो रहा वो होगा, लेकिन अपनी एड़ियों पर कंट्रोल करो चर्च, अपनी एड़ियों पर कंट्रोल करो। पाप के लिए जो एड़ियां उठा रहा है वो शैतान उठा रहा है, पाप के लिए जो लात उठा रहा है शैतान उठा रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, करा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांप और बिच्छों को रोंदने का। कहता है तुम रोंदोगे आज से, सांप और बिच्छों को रोंद डालो यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर नहीं रोंद रहे तो आज मेरी प्रेयर में बैठे रहो, आज आपके ऊपर से बंधन टूटने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं जब इसको देख रहा था तो तीन बार परमेश्वर ने कहा कि तीन बार मुंह दिखाने के लिए आना पड़ेगा, और अगर ये लोग तीन बार मुंह दिखाने के लिए आएंगे तो कहता कि मैं बंधन तोड़ दूंगा। ये परमेश्वर का बड़ा प्लान है आपके लिए कि अगर आपको बंधन तोड़वाना है। जब हम कुश्ती लड़ते हैं, देखो कुश्त पहलवान क्या करते हैं कुश्ती लड़ते हुए, और खासकर आप जब कबड्डी, अगर आप नहीं कबड्डी खेले, मैंने बचपन में कबड्डी खेली है। जब हम कबड्डी खेलते हैं कि कबड्डी 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 कबड्डी, हम कितनी बार करते हैं, हम कबड्डी 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 कबड्डी, सांस रुकना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिला, आप हालेलुया 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 बोलते चले जाओ, आज रात अन्य भाषा उतरने वाली है। मैं कह रहा हूं फिर करो कबड्डी 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 फिर करो। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर हालेलुया के जाप आप अगर 107 बार लगा लोगे तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा काम करने लगेगा। आप लोगों का ध्यान क्या होता है, परमेश्वर मुझे दे 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 दे, अरे ऐसे नहीं मिलता परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है हालेलुया के जाप 120 बार जाप करना स्टार्ट करो। पवित्र आत्मा कह रहा है 100 आपके अंदर दम है, कितनी बार कर सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा नहीं कर सकते 120 बार आप जरूर करो, क्योंकि आपकी उम्र 120 साल है। याद रखना परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है और ढूंढता है, और वो ढूंढ रहा है और अपने लोगों को कहता है कि आपको करने, अन्य भाषा नहीं मिला। देखो चर्च बोलते ही कह रहा है कि आप बोलो कि जय जयकार करो परमेश्वर की। दो काम करने से, मैंने क्या बताया, नंबर एक हालेलुया का जाप करने से, जय जयकार करने से, और परमेश्वर की महिमा करने से, तीन बार उसको मुंह दिखाने से दिन में। इसका मतलब तीन बार आपको घुटने टेकने, प्रेयर करने, और परमेश्वर कह रहा बंधन टूट जाएगा, जो मांग रहे हैं मिल जाएगा आज रात से। लेकिन यहां पर कह रहा है कि बहुत सारे लोग आज भी कह रहे हैं मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं समस्या में हूं, मैं चिंता में हूं, मैं परेशानियों में, मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानियों को। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज वो किरणें उतरेंगी। मूसा को कहा, मूसा कह रहा है कि अपने लोगों को बोल दे इन 70 के झुंड को इकट्ठा कर। इसका मतलब पहले इकट्ठे नहीं हुए थे, कह रहा 70 के झुंड को इकट्ठा कर। अगर आप 1,00,000 लोग मेरे साथ इकट्ठे इसी समय जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि याद रखना, कुछ लोग सोचते हैं शायद मैं जब प्रोफेसी करता हूं कि मैं एस आर एम पी ना एन वालों नाम वालों के लिए मैं करता हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है एक नहीं सबके ऊपर मस्सा उतरता है। लेने वाला चाहिए, दम दिखाओ, परमेश्वर को अपना मुंह दिखाओ। तीन बार परमेश्वर आज बंधन तोड़ेगा। मूसा ने 70 झुंड को
इकट्ठा किया एक साथ, और उसके बाद जब उसने प्रार्थना किया सबके ऊपर मस्सा उतर गया, सब भविष्यवाणी करने लगे, आप उन सबके ऊपर से बंधन टूट गए। मैं समय कह रहा हूं कि आप अगर 100,000 लोग इस समय मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन चर्च 100,000 लोग आप देख रहे हैं लगातार, और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि आप जब मैं कह रहा हूं कि मैं इनके ऊपर परमेश्वर वो मस्सा उतर जाए आज यीशु मसीह के नाम में, आज आपके ऊपर मस्सा उतरेगा वो यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चे भी भविष्यवाणी करने लगेंगे, आपको नए नए ड्रीम्स आने लगेंगे, आपको परमेश्वर आज इस वचन के बाद अगर आप 3 बार मुंह दिखाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं बताऊंगा इनको तेरे चक्कर कैसे टूटेंगे, मैं बताऊंगा। योशू को बताया परमेश्वर ने, हम देखते हैं एक जगह योशू की किताब 6:20 में पढ़ते हैं, यहां पर क्या हो रहा था, बहुत बार लोगों के बंधन ही टूट रहे थे लेकिन परमेश्वर ने सीक्रेट दिया। जब आपने निर्गमन में 34:24 में पढ़ा था तो हमने क्या बताया था, कह रहा कि लालच कह रहा है कि अगर तेरी भूमि का कोई लालच कर रहा है, बहुत औरतें प्रार्थना कराती है मेरी लड़की को कोई भगा के ले गया, अरे तेरी लड़की का लालच कर रहा है, दिन में 3 बार मुंह टेक, कह रहे परमेश्वर को मुंह दिखा, अरे मैं कह रहा हूं आज ही, कह रहा है कि एक औरत आई और बोलती है पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, प्रोफेट जी कह रहे पापा मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी बच्ची का मन वहां से हट जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं तो परमेश्वर को 3 बार मुंह दिखाऊंगा, लेकिन मुंह दिखाई तो तेरे को ही देनी पड़ेगी, मुंह तो तेरे को दिखाना पड़ेगा, तू 3 बार मुंह दिखा, उसके बाद मेरी प्रेयर के बाद एक स्वर दूत जा रहा है और तेरी लड़की का मन चेंज कर रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। आप घबराए हुए बच्चों को लेकर, अगर बच्चा स्टडी में कमजोर है, मैं कह रहा हूं अभी एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, मैं कह रहा हूं कि अगर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, जॉब में समस्या आ रही है, मैं कह रहा हूं आप 3 बार मुंह दिखाना स्टार्ट करो। और यहां पर यीशु मसीह ने कहा, यहां पर परमेश्वर ने क्लियर कहा निर्गमन की किताब में, कहता है कि अगर इज़राइल के लोग कह रहे अगर किसी भी जाति के लोग, जकरिया में भी सेम कहा, अगर ये मुझे साल में 3 बार, मैं कह रहा हूं कि फिर मूसा का हफ्ते में 1 बार, लेकिन यहां पर क्लियर इस बात का मैसेज है कि 3 बार मुंह दिखाना पड़ेगा। अगर आप 3 बार मुंह दिखाते हैं तो दानियल की तरह अगर आप नियमित रूप से प्रार्थना करते 3 बार मुंह दिखाई देते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने कहा ये फेमस होंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। फेमस कर दिया परमेश्वर ने याकूब का नाम इज़राइल रख दिया। मैं आपको कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है आपके बच्चे फेमस होंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको कोई अभी तक प्लानिंग नहीं सक्सेसफुल हुई, आज रात के बाद वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बहुत लोगों को पीआर आने वाली है, मैं कह रहा हूं गुड न्यूज के साथ आप लौटेंगे। लेकिन अगर आप चक्कर काट रहे हैं, बार बार वीजा लेने जा रहे हैं, मिल नहीं रहा, कारण क्या है, बंधन है कोई, लेकिन उस बंधन को कैसे तोड़वाना हम देखते हैं बाइबल के अंदर योशू के 6:20 में। मैं बता रहा हूं आपको कि यहां पर क्या था कि इसराइलियों ने जब पाप किया तो परमेश्वर उनके विरुद्ध हो गया, और यरीहो के लोग जो है कि वो इसराइली लोगों के परिवार के लोगों को उठाकर ले गए और यरीहो की नगरी में बंद कर दिया उनको, और वो दीवार जो थी वो 30 फुट लंबी और उस 20 फुट ऊंचाई थी उसकी, और वो बहुत तकड़ी दीवारें थी, उस दीवार को कोई तोड़ना कोई आसान बात नहीं थी, मतलब कि अगर वो दीवार अगर टूट जाती थी तो उनको पता लग जाता था कि सच में उनका देवता नाराज हो गया और परमेश्वर ने उस दीवार को तोड़ दिया है, मतलब कि उनको ये पता लग जाता था कि सच में के देवता से भी ऊपर कोई है, इसका मतलब कोई है, इसका मतलब इंसान से भी ऊपर कोई शक्ति काम करती है, मतलब वो दीवार ऐसी थी कोई बारूद भी अगर उसमें लगा दो तो भी वो टूटने वाली दीवार नहीं थी, इतनी ताकतवर उन्होंने दीवार बनाई थी, उसको बोलते हैं यरीहो की नगरी की दीवार। तो हम पढ़ेंगे कि यहां पर क्या हुआ कि वो दीवार जो टूटनी थी इसका मतलब वो क्या था, बंधन था। अगर आज आपके सामने कोई बंधन है, कोई कर्जे की दीवार खड़ी है, आप रो रहे हैं, बार बार रो रहे हैं, लेकिन आज आपको बताऊंगा डोंट वेरी, चिंता ना करो, वो दीवार कैसे टूटेगी। अगर किसी को कैंसर हो गया, शुगर हो गया, रसोली हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, अगर आज भी आपके सामने कोई दीवार खड़ी है, घर में लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है, समस्याएं हैं, चिंता है, कह रहा है कि वो दीवार खड़ी है, लेकिन उस दीवार को तोड़वाना पड़ेगा भाई साहब, उस दीवार को तोड़वाना पड़ेगा। बाइबल अपने बच्चों से सिखाती है कि आपको दो काम, मैं ऑनलाइन इसलिए आया हूं कि आपके सामने मैं लोगों को बताऊं कि बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा की बात बताऊं कि पवित्र आत्मा कैसे लोगों को आजाद करता है। नहीं तो लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं और दान भेज रहे हैं, दशमांश भेज रहे हैं भाई साहब, लेकिन हमें दुख होता है इन बातों का कि लोग दान भी देते, दशमांश भी देते, प्रार्थना भी करते, बाइबल भी पढ़ते, लेकिन फिर भी बेचारे निराश है लोग। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे निचोड़ा और मुझे कहा, कह रहा बेटे इनको बता, कह रहा कि बंधन तोड़वाना पड़ेगा, बेटे बंधन तोड़वाना पड़ेगा, आपको बंधन तोड़वाना है, आपको क्या करना है, कह रहा कि इन बातों के लिए, कह रहा आपको जैसा सिखाएं वैसा करना है, कह रहा दिन में 3 बार मुंह दिखाओ,
जाओ, चाहे आपने आज तक किसी से आप छुप रहे हो, कर्जे वालों से आप मुंह नहीं दिखा रहे उनको, अपने अपने परिवार में मुंह नहीं दिखा रहे, आपने कोई गलती कर दी आप मुंह नहीं दिखा पा रहे समाज को, मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद परमेश्वर आपका स्टैंडर्ड फिर से ऊंचा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये चक्कर खत्म नहीं होता भाई साहब, उसको खत्म करना पड़ता है। बंधन टूटते नहीं है, दीवार गिरती नहीं है, गिरानी पड़ती है। हम देखेंगे यीशु ने कैसे दीवार गिराई। हाँ, जो अपने लोगों को आजाद कराने के लिए गया, जो वो उनकी दी बेटियों को उठाकर ले गए थे और वो उनसे वहां पाप करा रहे थे और उनसे छुड़ाने के लिए, यरीहो की नगरी का मतलब है पाप की नगरी, और जब उस पाप की नगरी में कोई नहीं जाता था, जो उसकी पाप की नगरी में जाता था उसके ऊपर वायरस फैल जाता था, बीमारियां फैल जाती थी, और उस नगरी में यहां पर यीशु से बंधन तोड़वाया और सेम करा। ये जब यीशु मसीह आया तो यरीहो की नगरी से बंधन को तोड़ा, अंधे भिखारी को चंगा किया। याद रखना, इसका मतलब के पुराने नियम से लेकर वही बंधन, वही प्लेस आज भी लोगों का पीछा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि याद समझ जाना कि अगर आपके पीछे आज भी कोई प्रॉब्लम्स पड़ी हैं, किसी शहर से, किसी गली से, किसी देश से, किसी की मिट्टी से, किसी के खिलाने या पिलाने से कोई प्रॉब्लम आपके घर में आई है, तो मैं कह रहा हूं कि यरीहो की नगरी का बंधन आज मैं आपके ऊपर से तोड़वा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हां हां, पढ़े देखो वो चक्कर कैसे टूटा। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया, तब शहरपनाह की नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हालेलुया। यहाँ पर क्लियर लिखा करा के परमेश्वर ने यीशु को दिमाग दिया, माइंड दिया, और उसको बताया करा तेरे लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं और रो भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग निराश हो गए हैं, कहते हैं कि अब हम परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप भी किसी बीमारी को लेकर निराश हो गए हो, आप भी किसी कर्जे को लेकर निराश हो गए हो सकता है कि आप भी किसी समस्या को लेकर निराश हो गए हो, आपके सामने कोई दीवार खड़ी है, कर्जे की दीवार खड़ी है, उतर ही नहीं रही। अरे भाई साहब, लेकिन उस समय उनके बच्चे जेल में थे, प्रॉब्लम में थे, हो सकता है किसी के बच्चे जेल में हो, हॉस्पिटल में हो, में हो, लेकिन दवाइयां खत्म नहीं हो रही, अरे इंजेक्शन खत्म नहीं हो रहे, ऑपरेशन बार बार ऑपरेशन हो रहे हैं, कह रहा बंधन तोड़वाना पड़ेगा भाई साहब। तो यहां पर परमेश्वर ने यीशु को एक अकल दिया, बोलता है कह रहा कि अगर बंधन तोड़वाना है, कह रहा तुम्हें सात बार, कितनी बार, सात बार, कहता है सात बार आपको चक्कर लगाना है, कितनी बार, सात बार, कहता है इस नगरी के, कहता है सात बार इस दीवार के चारों ओर सात बार चक्कर लगाओ। और उन्होंने जब पहला चक्कर लगाया बंधन नहीं टूटा, दूसरा चक्कर लगाया बंधन नहीं टूटा, तीसरा नहीं। मैं देख रहा था, मैं पवित्र आत्मा से पूछ रहा था परमेश्वर कि ये सात बार में ये बंधन जो है सातवीं बार में टूट गया, लेकिन छठी बार में, ये छह बार में भी टूट सकता था, पहली बार में भी टूट सकता था, क्यों नहीं टूटा। परमेश्वर ने कहा इनमें कुछ लोग ऐसे थे जो घमंडी थे, वो बड़े लंबे लंबे तकड़े तकड़े थे, वो कहते ले यीशु तू क्या करा, एक दीवार हम मुक्का मार के तोड़ देंगे। पता आपको शिमशोन इतना ताकतवर था, संगलों से लेकर दो खंबे गिरा दिए उसने, मतलब कि इतना ताकतवर था। पहले लोग इतने ताकतवर होते थे और जान मारकर, हाथ मारकर दीवार गिरा दिया करते थे, उनको घमंड था कि ये दीवार हम गिरा सकते हैं, हम तो पता नहीं दीवार कितनी बार गिराते आए हैं। लेकिन याद रखना, शैतान की पाप की दीवार कई बार बहुत मजबूत होती है। बहुत लोग अपने पति के लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि मेरा पति दूसरी औरत के साथ गलत काम करता है जी, शादी करने जा रहा जी, हरे हट जाए, मेरा बच्चा नशे करता है जी, हट जाए। बहुत बार लोग कोशिश करते हैं सालों साल से, लेकिन हटता नहीं है भाई साहब। अरे बहुत लोग रो रहे हैं, साल साल से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पास्टर जी मेरा बाप विश्वास करे, मेरी माँ विश्वास करे, लेकिन कर नहीं रहे। लेकिन कारण क्या है? कारण यह है, कह रहा है कि ये बंधन जो है ये बहुत तकड़ा बंधन है, और ऐसा अगर बंधन पड़ा है किसी पे, मैं कह रहा हूं कि चर्च आज रात तुम आजाद होने वाले हो, आमीन बोलने के बाद। आज यहां पर यीशु को परमेश्वर ने कहा, कहता है तुझे चक्कर लगाना है, लेकिन सात बार भी वो तोड़वा सकता, एक बार में भी तोड़वा सकता था, लेकिन पहले वो तोड़ रहे थे, शायद सोच रहे थे कि टूट जाएगा, लेकिन एक तरीका बताया था उनको। इसका मतलब कि आपको जब आप बेढंग होकर प्रार्थना करते हैं, बेढंगे ढंग से, तो आपके बंधन नहीं टूटते सालों साल, और शैतान आपके ऊपर हंसता रहता है। मेरे साथ एक पादरी था, मेरे साथ उसने बाइबल ट्रेनिंग किया, और मेरे साथ एक जगह वो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए जा रहे थे, तो वो प्रार्थना कर रहा था, तो उसी समय शैतान हंस रहा था, कहता तेरे से नहीं जाने वाला भाई। मैंने कहा यार ये क्या बेइज्जती कर रहा है ये, तो उसी समय जब मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा चल निकल यीशु मसीह के नाम में, और उसी समय वो खेलता हुआ निकल गया, और वो लड़का मेरे से पूछने लगा, कहता यार
प्रार्थना और बाइबल तो कहता है मैंने तेरे साथ ही पढ़ी है, बाइबल भी ट्रेनिंग मैंने तेरे साथ करी है, लेकिन यार ऐसी क्या बात है यार, तेरे अंदर क्या बात है, मेरे अंदर क्या बात है? मैंने कहा बात कुछ नहीं है, बात ये है तेरे विश्वास की और मेरे विश्वास की है। लेकिन आज अगर आप विश्वास करते हैं तो ये चक्कर खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में, ये बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहां पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो बता रहा है, कहता है यहोशू को बताया करा ये चक्कर जो है, करा बेटे ये चक्कर ऐसे नहीं तोड़ूंगा मैं, करा एक बार दो बार तीन बार चार बार, कहता है करा आपको, कहता आप जब चर्च से आते हो करा कि आप पहली बार आते हो अपने चर्च में और उसके बाद घर चले जाते हो, लेकिन यहां पर सिखाया है कहता जब चर्च जाओ तो करा जय जयकार के नारे लगाते हुए जाओ, करा जब चर्च में जाओ करा बस के पीछे सोते हुए जाओ, है ना, सोते हुए जा रहे चर्च जा रहे हैं, साडा चर्च जरा 70 किलोमीटर रहेगा, साडा चर्च जरा 100 किलोमीटर रहेगा। और जब चर्च से बाहर निकलते हैं पब्लिक कैसे जाती है, पब्लिक सोते हुए जाती है, ओ भाई साहब बहुत बड़ा काम करके आज आशीष लेकर आए हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा क्या कर रहा है, चक्कर लगाना है तो कह रहा है चक्कर लगाना है, चाहे वो यीशु का चक्कर लगाना है, चाहे वो चर्च का चक्कर लगाना है, चाहे वो सुबह उठकर बाइबल का चक्कर लगाना है, लेकिन वो जय जयकार के नारे से टूटने वाला है, वो हालेलुया के नारे से टूटने वाला है। यहां पर यहोशू के लोगों ने जब सातवीं बार में चक्कर लगाया, कह रहा पहले बार में दूसरी बार में और छठी बार में वो क्या बोल रहे थे उनका घमंड चूर चूर हो गया, बोलते पादरी अब तो तू ही कुछ कर, करा कि अब तो थक गए हम। आज बहुत बार लोगों को अपने पैसे पर घमंड है, इसलिए परमेश्वर कई बार वो लेट करता है, वो सोचते हैं शायद पैसे से इलाज हो जाएगा, शायद एक बार प्रेयर करने से इलाज हो जाएगा, दो बार प्रेयर करने से इलाज हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तीन बार मुंह दिखाना पड़ेगा, चर्च आपको दिन में तीन बार मुंह दिखाना है, अगर आपके ऊपर ज्यादा बंधन पड़ा है ज्यादा चक्कर है तो सात बार मुंह दिखाना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है याद रखना एक बादल आपके घर में बारिश करने के लिए आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप सात बार मुंह दिखाते हैं आपके अंदर दम होना चाहिए, याकूब के अंदर दम था, उसने एडी को पकड़कर आ गया और अपने भाई की प्रॉपर्टी को भी ले लिया, याद रखो मतलब अपना सब कुछ। कहता है आज परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप यीशु के चरणों में बैठने के लिए तैयार हो, क्या आप परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए तैयार हो? अगर आप बैठते हो तीन बार मुंह दिखाई देते हो परमेश्वर को, मैं कह रहा हूं कि एक दिन कह रहा है कि लोग आपका मुंह देखने वाले हैं, आपके बच्चे चमकने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और यहां पर सातवीं बार में जब उन्होंने हालेलुया बोला तो कह रहा है वो दीवार गिर गई। सातवीं बार के चक्कर में वही दीवार क्यों गिरी? क्योंकि परमेश्वर का हुक्म था कि सातवें दिन विश्राम दिन को मनाने के लिए आना, उन इसराइलियों को सिखाने के लिए कि अगर तुम्हारे बच्चे कैद हैं तुम सातवें दिन विश्राम दिन को नहीं मनाते। कह रहा है सातवें दिन, कह रहा है कि तुम चक्कर नहीं काटते, तुम चक्कर काटते हो सातवें दिन मेहमानों के, कह रहा है लेकिन आज जो बाइबल में लिखा उस बातों को पूरा करना है। यहां बाइबल बता रही है इस बात के लिए, कह रहा है कि अगर आज भी चक्कर नहीं टूटा तो यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने ये चक्कर इसराइलियों का खत्म कराया। अगर आज तक भी आपके दादे परदादों में अगर आपके परिवार में कोई चक्कर पड़ा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, अरे तलाक का चक्कर है, बार बार तलाक हो रहे हैं, अगर बार बार कोई दवाइयां ले रहे हैं आप, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, बार बार वो गांठ रसोलियां बार बार हो रही है, पथरियां बार बार हो रही है, इसका मतलब कोई चक्कर है भाई साहब, बार बार गाड़ी खराब हो रही है, बार बार कर्जा हो रहा है, बार बार नुकसान हो रहा है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मतलब बेटे कोई चक्कर है तेरे ऊपर, इसका मतलब क्या है? बाबे पे हाथ दिखाने से चक्कर खत्म नहीं होने वाला, अरे तागा तबीज लेने से चक्कर खत्म नहीं होने वाला, आज तो यीशु के वचन को मानने से चक्कर खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप कहो अपने हाथों को उठाओ और कहो अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और अपनी पत्नी को अपने बच्चों को बोलो कि आज से मैं करा तीन बार मुंह दिखाऊंगा तुझे। किसको दिखाओगे? इसको दिखाओगे? इसको नहीं बोलो मैं परमेश्वर तुझे तीन बार मुंह दिखाऊंगा, मैं तेरे चरणों में तीन बार आऊंगा और मैं हालेलुया के नारे लगाऊंगा। अगर आप हालेलुया के नारे 120 बार भी लगाओ अपने घर के अंदर डेली, मैं फिर से कह रहा हूं, बड़े से बड़ी दीवार आज रात के बाद गिरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक हफ्ते के अंदर ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा ढूंढ रहा है, ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवार को ढूंढ रहा है, मुझसे कह रहा है ऐसे लोगों को बोल कि पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोग जो अगर मुझे तीन बार दिन में मुंह खाएंगे और हालेलुया के नारे लगाएंगे। और कह रहे कि आज याद रखना, कह रहे सात दिन के अंदर बड़े से बड़ा चक्कर मेरा परमेश्वर आपके तोड़ने के लिए जा रहा है, बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़ी बीमारियों को, वो बड़े से बड़े कर्जे की दीवार आज गिरने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने पर गिरने वाली है आज, इसी समय बंधन टूटने वाले हैं। लेकिन अगर अब तक नहीं टूटा, अगर अब तक शराब खत्म नहीं हुए, आज फिनिश होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और आज खुदा से कहो, आज मैं आत्मा में देखता हूं, सच में परमेश्वर मैं तेरा दास हूं,
ओर प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा जी आज मेरे प्रभु आज मेरे लोगों के ऊपर से बंधन तोड़ दे। आज पवित्र आत्मा जी मैं समय प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर ये ऑनलाइन चर्च वालों के ऊपर से बंधन तोड़ दे मेरे प्रभु, जो ये अपना पैसा अपना टाइम खर्च करके मेरे प्रभु ये सच में तेरे इस समय पवित्र आत्मा तेरे कलाम को सुन रहे हैं और तेरी बातों को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जो इन्होंने बड़े ध्यान से मेरे प्रभु जी आज तेरे वचन को सुना है और आज जो तूने कहा था कि शराब मिला था कि सांप को के इनके एड़ियों को तू चाटेगा इनके एड़ियों को काटेगा, पवित्र आत्मा जी मैं इस शराब को तोड़ देता हूँ इनके ऊपर से फट यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह ने उस शराब को तोड़ दिया है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है उन लोगों के ऊपर से मैंने शराब तोड़ा है, करे जो लोग 3 बार मुंह दिखाते हैं, जो लोग 7 बार मुंह दिखाते हैं, जिनके अंदर दम है परमेश्वर के चरणों में बैठने का, पवित्र आत्मा जी सच में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता सच में व्याभिचारिणी स्त्री के ऊपर से जब तूने बंधन तोड़ दिया, जब वो तेरे पैरों में आई, जब याकूब के ऊपर से धोखेबाज था लेकिन तूने बंधन तोड़ दिया परमेश्वर, के जब वो पवित्र आत्मा जी तेरे पैरों में आया तेरे चरणों में आया मेरे प्रभु, अगर आज इनमें बच्चों में कोई कमी है, अगर आज इनके घर में कोई घटी है मेरे प्रभु, अगर आज इनके परिवार में कोई समस्या है, मैं प्रभु आज इनके लिए गिड़गिड़ाता हूँ तेरे सामने, मैं आज इनके लिए हाथ उठाता हूँ परमेश्वर तेरे सामने मेरे पिता, आज इनके घर से इनके परिवारों से इनके बच्चों से हर एक बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक खर्चे का शराब जाने पाए मेरे पिता, आज वो दीवार अगर जो नहीं गिरी है, अगर कैंसर की कोई दीवार खड़ी है, कोई शुगर की कोई प्रॉब्लम्स खड़ी है, अगर कोई आज डायबिटीज की प्रॉब्लम खड़ी है, कोई भी पवित्र आत्मा जी आज सर्वाइकल है, किडनियां खराब है, आज घुटने में दर्द है, अगर कोई दुष्ट आत्मा तंग करती है, कोई काला जादू जादू टोना है, किसी के बर्तन खड़कते हैं, किसी के गेट खड़कते हैं, किसी के घर में आवाजें सुनाई देती है, किसी के घर में बार बार सांप नजर आते हैं, अगर कोई किसी का मकान नहीं बिक रहा, कोई दुकान नहीं चल रही परमेश्वर, अगर कोई बच्चा स्टडी में कमजोर है पवित्र आत्मा जी, अगर कोई दीवार बनकर समस्या इनके सामने खड़ी है, मैं आज हालेलुया बोलकर आज इनके ऊपर से उस दीवार को गिरा देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज हालेलुया बोलने वाले लोग आज मेरे पीछे बोलो हालेलुया। अगर आज आप हालेलुया कह रहे हैं, परमेश्वर आज बंधन तोड़ रहा है चर्च, मैं आत्मा में देख रहा हूं कि स्वर्गदूत आपके घर जा रहे हैं और आज आत्मा कह रहा है मेरा बेटा है मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल और आज इस प्रार्थना में शामिल हो जा। और आत्मा बातें करे, आत्मा बातें करे। अगर आज तू पाकिस्तान से देख रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तेरे ऊपर से बंधन तोड़ रहा हूँ, ओ गुलजार तेरे ऊपर से बंधन परमेश्वर तोड़ रहा है, और रहमान पवित्र आत्मा कह रहा है, ओ शबीन 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 गिल पवित्र आत्मा कह रहा है तुझसे मैं तेरे ऊपर से बंधन तोड़ रहा हूँ, शहनाज मैं तेरे ऊपर से बंधन तोड़ रहा हूँ, आत्मा बातें कर रहा है, ओ तेरे बच्चों के ऊपर से बंधन तोड़ रहा है, ओ राचा रबा सना यो वारे रे 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 रे। आज से सारी बीमारियां जा रही हैं। जसबीर सिंह तू मुझे दिल्ली से देख रहा है, ओ तेरी औरत देख रही है, तेरे बच्चे देख रहे महसूस कर रहे हैं, आत्मा कह रहा है जसबीर सिंह मैं तेरे ऊपर दया करने वाला हूँ। इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरी पत्नी से के बहुत बातों में तू चिंता करती है, आत्मा तुम्हारे ऊपर से बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है। और जिस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, अगर आज कोई बीमार है, अगर आज कोई समस्या में है, अगर आज कोई कर्जे में है, आत्मा बातें करे पवित्र आत्मा जी, इनके ऊपर से बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक शराब जाने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक कर्जा जाने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक इसी समय मेरे हाथों की तरफ देखो और आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर से बंधन तोड़ रहा है। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ और आत्मा मुझे बोल रहा है कि आज उनके ऊपर से बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, और इसी समय जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं हालेलुया के नारे लगाऊंगा, आज से मैं दिन में 3 बार तुझे मुंह दिखाया करूंगा पवित्र आत्मा जी, मैं सच में विश्वास के साथ तेरे चरणों में आया करूंगा प्रभु, तू मेरे बच्चों से मेरे परिवार से मेरी फैक्ट्री से मेरे बिजनेस से बंधन को तोड़ दे पवित्र आत्मा जी, आज कहो परमेश्वर बंधन तोड़ दे पवित्र आत्मा जी, आज परमेश्वर बंधन तोड़ने के जा रहा है, बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है, आज कहो पवित्र आत्मा जी अगर मेरा कोई नुकसान हो रहा है, अगर किसी का नुकसान हो रहा है,
बार बार कर्जा हो रहा है, अगर बार बार कोई बिजनेस बंद हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर बार बार कोई बीमारी आपको तंग कर रही है, आपको कोई पीड़ा दे रही है रिबका की तरह, आज ही वो पीड़ा बंद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पथरियां बार, इसी समय रसोलियां बार, देखो अभी इसी समय खाया पिलाया बार आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन बोलकर बंधन को तोड़ो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज से वादा करते हैं कि हमारे ऊपर से आज पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना करने के बाद बंधन को तोड़ेगा। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो प्रभु यीशु मसीह मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं। अगर कोई नए लोग मुझे बात कर रहे हैं इस समय कहो पवित्र आत्मा जी मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, अगर आप यरीहो की नगरी के ऊपर का बंधन अपने ऊपर से तोड़वाना चाहते हो तो आत्मा बातें कर रहा है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं सुभाष मती छत्तीसगढ़ से तू मुझे देख रही है और आत्मा कह रहा है मैं तेरी फैमिली के ऊपर से बंधन को तोड़ रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चिंता मत कर, तेरे शरीर में तेरे परिवार में कोई इंफेक्शन है और पवित्र आत्मा खत्म करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज इसी समय जो नए लोग हैं अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं। जब आप अपने पाप को एक्सेप्ट करते हो कि अपनी गलती मान लेते हो परमेश्वर आपकी ओर मुंह करने वाला है, नहीं तो आप मुंह दिखाते हो परमेश्वर आपसे मुंह पलट लेता है। याद रखना पाप करने वाले को परमेश्वर कभी नहीं देखता, परमेश्वर देखना पसंद नहीं करता, लेकिन वो यीशु मसीह में होकर आपको देखता है। याद रखना ऐसे मुंह करता है परमेश्वर, लेकिन ये जो कोई पश्चाताप करता है फिर परमेश्वर यूं आपको देखता है, यीशु मसीह के पीछे से होकर आपको देख रहा है। इसलिए आज परमेश्वर मेरे पीछे से होकर भी, आज अपने दास के ऊपर से होकर भी आपको वाच कर रहा है और आपके बंधन तोड़ रहा है। अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा जी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, मैंने बहुत बार गलत काम किए हैं, परमेश्वर क्षमा कर दे पवित्र आत्मा। आज इसी समय मैंने बहुत बार गाली गलौज किया है, बहुत बार लड़ाई झगड़े नशा किया है, बहुत बार मैंने गलतियां की है परमेश्वर। कहो के पवित्र आत्मा कोई भी पाप मूर्ति पूजा किया, कोई पाप किया पेड़ों में पत्थरों में बाजारों में गलियों में, मैंने तुझे ढूंढा परमेश्वर, मैंने व्यभिचार किया नशा किया, कोई भी पाप किया है मुझे क्षमा कर दे। इस समय पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा, आज भी जिंदा परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं आज आत्मा आपसे बातें कर रहा है और आत्मा कह रहा है मैं आज तुझे आजाद करूंगा, आत्मा देख रहा है। आमीन बोलो, आज कहो कि यीशु मसीह के नाम में मैं इसी समय मेरे पाप धुल चुके हैं, बोलो आमीन। आज कहो मेरे काम खुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और इसी समय जो मुझे लाइव देख रहे हैं इसी समय पाकिस्तान के ऊपर से बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ अमृत शहर के ऊपर से और इसी समय जो अमृतसर से जलंधर से मोगे से, इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो कपूरथले से भटिंडे से और लुधियाना से, इसी समय राजपुरा से, इसी समय हरियाणा पंजाब से दिल्ली से पवित्र आत्मा, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से और केरला से बॉम्बे से जो मुझे बात कर रहे हैं, आत्मा मुझे बोल रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ से मुझे देख रहे हैं, आज मैं इसी समय बंधन को तोड़ रहा हूँ। यूपी वालों आज तुम्हारे ऊपर से बंधन टूट रहे हैं, ए हिमाचल वालों तुम्हारे ऊपर से बंधन टूट रहे हैं, विश्वास कर और बंधन जा रहे हैं मसीह के नाम। हर बीमारी का बंधन जय यीशु मसीह के नाम में, हरे कर्जे का बंधन जय यीशु मसीह के नाम में। आत्मा कह रहा है अनीता तू मुझे देख रही है, शायद तू उड़ीसा छत्तीसगढ़ से है, लेकिन आत्मा बोल रहा है अगर अच्छो कोई अनीता कहीं से भी देख रही है, परमेश्वर का आत्मा तेरे कामों को खोलने के लिए जा रहा है। तू कह रही है मैं बहुत गरीब हूं, आत्मा को कह रही है, आज पवित्र आत्मा को कह रही है तू मैं गरीब हूं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है तूने होटल का काम किया, तूने कोई काम किया लेकिन काम नहीं बना, परमेश्वर का आत्मा तेरे काम को फिर से ब्रश करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ रोशन पवित्र आत्मा कह रहा है कि तेरे हाथ में प्रॉब्लम है, आज ही तू हीलिंग को देख रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है तू बार बार कह रहा है कि मैं सेट नहीं हो रहा, लेकिन आत्मा कह रहा है कि तू आज के बाद 7 दिन के अंदर गवाहियों को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। और राचा रबा सरायो वाले रे 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 रे। और इसी समय पवित्र आत्मा तू मदद कर इसी समय ब्लेस कर। और कोई मुझे इसी समय देखता है, आत्मा बोलता है पिंकी मैं तेरे घर को बनाने के लिए जा रहा हूं, मैं इसी समय तुझे ब्रश कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आत्मा कह रहा है तू मुझे पंजाब से देख रही है, और इसी समय आत्मा कह रहा है भोजाली कुछ ऐसे नाम देखता हूं गुजरात से है तू, और परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है तेरा पति बेड पर है, कोई प्रॉब्लम तेरे घर में कोई बेड पर है और नीचे कुछ ऐसे पाइप भी लगा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप कोई बेड पर है आपका घर का व्यक्ति, मेरे हाथों की तरफ देखो और ये किरणें उतर रही है जैसे मूसा के ऊपर से किरणें उतरी और इसी समय वो चंगा हो गया, हर एक व्यक्ति चंगा हो गया। याद रखना कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर मारा गया उसके जब भाला मारा जिस सैनिक ने जो उसके खून निकला छींटा निकला उसकी आंख चंगी हो गई, काणी थी सिपाही की आंख, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर से वो खून के छींटे जो बार बार शैतान के छींटे
आ रहे हैं, जो जादू टोने आ रहे हैं, जो बाल कट रहे हैं, जो उल्टियां लग रही हैं आपको, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, आज आप हीलिंग को देखने वाले हो, इसी समय आपके घर से बंधन टूटने वाले हैं, भाग यीशु मसीह के नाम में। जाओ इनकी गाड़ी के ऊपर से, इनके बिस्तरों के ऊपर से, जाओ इनके बेडरूम से, इसी समय निकलो भाग। और जो बाथरूम में आत्मा मुझे बोल रहा है, बहुत लोगों को बाथरूम में टांग तोड़वाने की प्लानिंग कर रहा था शैतान, उसकी प्लानिंग भाग यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आत्मा कह रहा है इसी समय आपके किचन से, और इसी समय वो दुष्ट आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में, आपके घर से जहां भी जाओ आप सुरक्षित रहो यीशु मसीह के नाम में। आत्मा बातें करे, ओ राचा रवा सना योवा रे 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 रे, और इसी समय पवित्र आत्मा छूले इन लोगों को, छूले छूले इसी समय पवित्र आत्मा छूले, और इसी समय परमेश्वर की प्लानिंग पूरी हो, और इसी समय आज से कर्जे का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आपके ऊपर घर के ऊपर एक आशीष आने लगे, जिन लोगों के पास घर नहीं है, और अनॉइंटिंग को मैं छोड़ता हूं पवित्र आत्मा जी, आज अगर मैं तेरा दास हूं इसी समय परमेश्वर, जिन लोगों के पास मकान नहीं है अपने, अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में ये अपने मकान में जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। और मैं कह रहा हूं RSMPN नाम वाले लोग अपने मकान को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं TSLKR नाम वाले लोग बेटे की आशीष को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आत्मा बातें करे, आत्मा बातें करे, मैं आत्मा देखता हूं, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुझे, कोई नेपाल से बात कर रहा है, राजू पवित्र आत्मा तुझे बात कर रहा है, मैं देख रहा हूं इसी समय बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं RSMPN नाम वालों को, कोई शुगर का, अगर डायबिटीज का किसी के घर में प्रॉब्लम है, आप चंगे होने के लिए जा रहे हो, मैं किसी को देख रहा हूं टांग मुंह ऐसे कुछ नाम है उसका, उसका गोत है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू हीलिंग को देखने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हां पवित्र आत्मा कह रहा है कि तू नेपाल से मुझे बात कर रहा है, तू देखने वाला है, हीलिंग को देखने वाला है, शुगर के पेशेंट मेरे हाथ की तरफ देखो, डायबिटीज के जिसकी किडनियों में प्रॉब्लम है, पथरियां रसौली है, अभी इसी समय मेरे हाथ की तरफ देखो, परमेश्वर इसी समय मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु इसी समय मेरे हाथ के ऊपर से वो किरणें इनके घर में जाएं, आज इनको टच करें यीशु मसीह के नाम में, टच करें इसी समय यीशु मसीह के नाम में, पथरियां बाहर यीशु मसीह के नाम में, रसोलियां बाहर इसी समय, और खाया पिलाया बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर इसी समय, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है यीशु मसीह के नाम में, नॉर्मल है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आश्चर्यकर्म होने लगे, खुजर फैमिली तेरे घर में आश्चर्यकर्म होंगे, भट्टी फैमिली, गिल फैमिली, मट्टू फैमिली, सिंह फैमिली तेरे घर में, कुमार फैमिली और शर्मा फैमिली PR के साथ ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आत्मा बातें करे, और इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में, इसी समय मैं देखता हूं रेखा, आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है, ओ इसी समय तेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, बच्चों में कोई प्रॉब्लम है, यू आर ही, आप इसी समय हीलिंग देख रहे हो, हीलिंग देख रहे हो, हीलिंग देख रहे हो, हीलिंग देख रहे हो, और आपको चिंता हो रही है कि पता नहीं मेरे बच्चे कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई मुझे नेपाल से देख रही है, एक बहन मुझे पंजाब से देख रही है, और कोई मुझे इटली से वॉच कर रहा है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उनके नाम RSMPT से है, लेकिन एक रेखा बहन के लिए स्पेशल बोल रहा हूं, तेरी लड़की को PR मिलेगी, यूरोप के अंदर है, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस के नाम। और इसी समय एक बहन है जो मुझे बात कर रही है, बहुत सारे भाई बात कर रहे हैं, और इसी समय उनको डर लगा हुआ है कोरोना वायरस का, और पवित्र आत्मा बातें कर रहा है ये कोरोना वायरस का डर यीशु मसीह के नाम में। और दिल्ली वालों को आज से 7 दिन के बाद जहां पर जिस एरिया में ज्यादा है, इसी समय परमेश्वर हीलिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, इसी समय छुटकारे दे हर एक डर भय का आत्मा, खांसी जुकाम बुखार यीशु मसीह के नाम में। और जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, कमजोर हैं, इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, इसी समय एंजल जाओ जाओ, ब्लेस करो यीशु मसीह नासरी के नाम में, पीछा करो इनका यीशु मसीह के नाम में, और इनको ब्लेस करो यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा बातें कर रहा है, और वो कह रहा है नीलू तेरे पास कोई बच्चा नहीं है, आत्मा बोलता है आप शायद झारखंड के आसपास रहते हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अगर नीलू तो यूपी में भी से भी मुझे देख रही है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि एक बहन यूपी से देख रही है, उत्तरांचल से देख रही है, पंजाब से देख रही है, हरियाणा से देख रही है, NRSPM के नाम वालों के घर में कुछ पेट में इंफेक्शन है, खत्म हो रहे हैं, और कुछ लोग बेटे के साथ आशीषित होंगे यीशु के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब इसी समय जिन लोगों ने इस प्रार्थना को रिसीव किया, आत्मा ने मुझे कहा कि आज उनके ऊपर से बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं, और मैं अपने हाथों को उठा रहा हूं, और इस समय मैं 7 बार आपके ऊपर मैं उस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं यीशु के नाम में, 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 कर्जा जाए इसी समय, आमीन।
इसी समय गरीबी के शराब को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं उस बंधन को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय बहुत सारे लोग मकान खरीदने पाए, बहुत सारे लोग गाड़ी को खरीदने पाए, बहुत सारे लोगों के पास फंड को मैं इसी समय स्वर्ग से रिलीज कराता हूँ मिराकल में को इसी समय। बहुत सारे लोगों की दुकान खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, बहुत सारे लोग नए नए बिजनेस के साथ खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, मेरे हाथों की तरफ देखो, और इसी समय जिसको उल्टियां लग रही हैं अब इसी समय वीडियो भेजना, जिसको ब्रेस्ट में रसौली है, पथरी है या कोई भी प्रॉब्लम्स है, मेरे हाथ की तरफ देखो और मेरी आंखों की तरफ देखो, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे जिनमें दुष्ट आत्मा है आज आजाद हो जाएंगे वो। अबलाबा शबला बबलाबा 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 शबला गंदी आत्मा छोड़ इनके घर को, चल निकल जा गंदी आत्मा, मैं तुम्हें देख रहा हूं, निकलो इनके घर से। और मैं इसी समय परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर से मैं बंधनों को तोड़ देता हूं, सारा खाया पिलाया इसकी छाती में से, इसके गले में से, ओ आधे हिस्से में जो सिर में दर्द करा रही है, इसके टांगों में दर्द करा रही है, निकल आप बार यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूं किसी को, कोई काले सूट में, ओ व्हाइट चुन्नी में, कोई ग्रीन चुन्नी में और येलो चुन्नी में, और एक बहन ने रेड चुन्नी और रेड सूट डाला हुआ है, और अभी इसी समय वो उल्टियां कर रही है, बंधन टूट रहे हैं, बारा चल बारा बारा यीशु मसीह के नाम में। और किसी से अभी कंट्रोल नहीं हो रही वो, इसी समय मैं कह रहा हूं कंट्रोल होने लगे यीशु मसीह के नाम में, मैं ब्लेस करता हूं, आमीन। और कुछ लोग अभी खुशखबरी देखेंगे अपने बच्चों की पढ़ाई में, 7 दिन के बाद मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि पूरे 7 दिन के बाद आप एक खुशखबरी देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग अपने घरों में खुशखबरी देखेंगे, बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, और आत्मा बातें करे, परमेश्वर आपको छुए। और इसी समय जो लोग चाहते हैं मिराकल मनी हो, मेरे पास बहुत गवाही आती है मिराकल मनी की, लेकिन बहुत सारे लोग प्रेयर हमारे ऑनलाइन प्रेयर टावर पर बोलते हैं कि जी प्रेयर लाइन के लिए स्पेशल हमारे मिराकल मनी के लिए स्पेशल प्रेयर करना, मैं आज स्पेशल प्रेयर करता हूं, और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथों में ले लो। अगर आपका पति कोई प्रॉब्लम्स में है उसकी फोटो ले लो, अगर आपको यूरोप में जाना है कहीं पीआर चाहिए कुछ भी चाहिए, आपको फोटो आइडेंटिफाई कुछ भी अपने हाथ में पकड़ो, आज अपने बैंक अकाउंट को हाथ में पकड़ो, मैं आत्मा में देख रहा हूं। और इसी समय मैं उन लोगों के लिए खास प्रार्थना कर रहा हूं, एटीएम इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अपने एटीएम को पकड़ो, अपने कार्ड को पकड़ो, और परमेश्वर का आत्मा छूने के लिए जा रहा है। विश्वास करना, क्योंकि मैं दिन में 3 बार मुंह दिखाता हूं परमेश्वर को, 7 बार भी दिखाता हूं। अगर आप 3 बार मुंह दिखाते हैं तो आपको कह रहा है किसी को रिश्वत में मुंह दिखाई देनी पड़ेगी, आपको परमेश्वर को मुंह दिखाई देनी है। और आज परमेश्वर आपको अपने वचन के अनुसार भविष्यवाणी को पूरा होते दिखाएगा, आपको गवाहियां आएंगी, आपके अकाउंट में मिराकल मनी होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, जिनके 22 और 100 अकाउंट है या एटीएम में कार्ड में आ रहा है या बाद में पीछे लास्ट में 3 आ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उनके मिराकल मनी होने वाली यीशु मसीह के नाम में। और एक बड़ी गुड न्यूज को देखोगे, अबलाबा शबला बबलाबा शबला बबलाबा शबला बबलाबा शबला। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, अगर आज इन्होंने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखे और आज इसी समय कोई फोटो इनके हाथ में, कोई बैंक अकाउंट की कॉपियां इनके हाथ में, मेरे पिता परमेश्वर जो कोई नशा करता है, जो कोई प्रॉब्लम्स में, जो पवित्र आत्मा जी कोई भी कैसी घटी में, आज पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इंग्लैंड वालों के लिए, अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, इसी समय जो इटली से वाच कर रहे हैं पवित्र आत्मा, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, और इसी समय तेलंगाना से, और इसी समय केरला से, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आंध्र प्रदेश वालों के लिए, मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर पाकिस्तान वालों के लिए, भारत के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, इसी समय पंजाब के लिए, हरियाणा, दिल्ली के लिए, यूपी के लिए, और इसी समय महाराष्ट्र के लिए, बिहार के लिए, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए, प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर हर एक मंत्री के लिए, हर एक पुलिस अफसर के लिए, हर एक नर्स के लिए, डॉक्टर के लिए, हर एक को पवित्र आत्मा तू कोरोना वायरस से सुरक्षित कर यीशु मसीह के नाम में, हर एक खांसी जुकाम बुखार इसी समय भट यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं हर एक देश के लिए, हर एक जाति जाति शहर के लिए, जो जहां से मुझे बात कर रहा है, नेपाल वालों के लिए भी और असम वालों के लिए भी, इसी समय प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी इसी समय कार्य कर। ओ अबलाबा शबला बबलाबा शबला बबलाबा शबला। और अगर किसी का पति शराब नहीं छोड़ रहा इसी समय, चल स्वर्ग दूतों जाओ जाओ
जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, एंजल जाओ, एंजल जाओ, इसकी ड्रिंक छुड़ाओ यीशु के नाम में आज से इसी समय, ये शराब का नशा जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो भी कोई व्यभिचार करता है, कोई शादी नहीं हो रहा किसी का, इसी समय शादी होने लगे इनकी यीशु मसीह के नाम में, रिश्ते आने लगे यीशु मसीह के नाम में, और जिसका मकान नहीं बना मकान बन जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय खास कर प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरा है, इसी समय गवर्नमेंट जॉब ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और मैं भविष्यवाणी करता हूं TRSMPNK नाम वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब मिलने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आप बात कर रहे हैं मुझे, इसी समय रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। और बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं, और इसी समय अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, और ATM कार्ड को इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं इनके बैंक अकाउंट में मिराकल मनी को ट्रांसफर कराता, जैसे पतरस ने और प्रार्थना किया, और इसी समय यीशु मसीह ने कहा जा मछली के पेट में तुझे सोने का सिक्का मिलेगा, और वो गया, बोलता है मुंह खोलने पर मिलेगा, और आज इनके मुंह खोलकर आमीन बोलने पर पवित्र आत्मा इनके बैंक में मिराकल अकाउंट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जाओ एंजल, जाओ जाओ, मैं 7 बार भेजता हूँ तुम्हें, मैं 3 बार भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं इसी समय ऑस्ट्रेलिया में भेजता हूँ, इंग्लैंड में भेजता हूँ, पाकिस्तान में भेजता हूँ, जाओ, इसी समय यूरोप में भेजता हूँ, इसी समय इटली में, इसी समय जर्मनी में भेजता हूँ, इसी समय मैं यूरोप में बेल्जियम में भेजता हूँ, इसी समय ओ पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से, जहाँ से मुझे लोग वाच कर रहे हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, मैं इसी समय भेजता हूँ महाराष्ट्र में, और इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़े मिराकल को होता देखें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बहुत सारे लोग अपने अकाउंट में अभी मिराकल मनी देखेंगे, जो लोग बीमार हैं अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को ले लो, अपने हाथों में पकड़ लो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल, और इसी समय मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस अनॉइंटिंग वाटर पर और अनॉइंटिंग ऑयल पर, मेरे प्रभु मैं प्रेयर करता हूँ आज जैसे ही मेरे पिता परमेश्वर ये लोग लगाएं, और इसी समय पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में एक बड़ा मिराकल होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, एक बड़ा छुटकारा होने पाए, और मेरे प्रभु एक बड़ा छुटकारा होने पाए पवित्र आत्मा जी, आज सच में इनके बच्चे आजाद हो जाए, इनकी किडनियों के प्रॉब्लम आज जाती रहे यीशु मसीह के नाम में, शुगर जब ये ऑयल लगाएं पवित्र आत्मा जी, एक बड़े मस्से को छोड़ता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, इस जल में, इस ऑयल में, आज जो मुझे देख रहे हैं जो अपने गेट पर आप ऑयल डालेंगे, आज एक बड़ा बंधन टूटेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और इसी समय आप फ्री होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय परमेश्वर, जहां भी इनके हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, इसी समय ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल को छोड़ता हूं इनके ऊपर, उस अभिषेक से आज इनके ऊपर से वो जुआ टूट जाए, पथरियां बार, रसौलियां बार, कैंसर बार, शुगर बार, इसी समय मैं देख रहा हूं RMSNP नाम वालों के बवासीर, पथरियां, रसौलियां जा रही हैं बार यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय मैं देखता हूं TLK नाम वालों के ऊपर से इस समय इंफेक्शन खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय आपके बच्चे आजाद हो, आज से गवर्नमेंट जॉब में हर चीज में ब्लेसिंग आए मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज से इनके चक्कर बंद हो जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर बंद हो, इसी समय नुकसान होना बंद हो, आज से कर्जे के शराब को मैं तोड़ता हूं इनके ऊपर से, इसी समय हर एक कर्जे का शराब बंद हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक गरीबी का शराब बंद हो यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ चर्च यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ा अभिषेक आपके जीवन में काम करे, बड़ा अभिषेक काम करे, जिनके तलाक हो रहे हैं इसी समय मैं तलाक के बंधन को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जिनकी शादियां नहीं हो रही फिर से कह रहा हूँ ये लो ब्रेस इन द नेम ऑफ जीसस, और मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ जिनके पास औलाद नहीं है और जिनके पास शादियां नहीं हो रही, 7 दिन के बाद आपको गुड न्यूज मिलने वाली है, 7 दिन के बाद आपको गुड न्यूज मिलने वाली है, और कई लोगों को 3rd महीने के अंदर आपको मकान की और गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने वाली है, बहुत सारे लोग बिजनेस खोलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा जी आज मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, आज कहो मेरे पीछे, कहो अपने हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर आज से मैं मुंह दिखाई दिया करूंगा, आज से मैं मुंह दिखाया करूंगा 3 बार, और मैं 120 बार दिन में हालेलुया बोल के नारे लगाऊंगा परमेश्वर। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता कि आज 120 स्वर्दूत आपके घर में उतरेंगे और 120 दिन के अंदर आपके काम बनाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इस हीलिंग को देगा, आश्चर्यकर्म को करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, विक्की, विद्या, निर्मल तेरे काम होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। नीरू, अरुण, तुम आशीषित होने के लिए जा रहे हो। मैं कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए, सबके लिए भविष्यवाणी है, लेकिन जिन लोगों के नाम आत्मा मुझसे बुलवा रहा है, आप लोग आशीषित होने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ NTLK और जो जेड, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे जेड से, ओ से नाम आ रहे हैं, एम से मेघा,
परमेश्वर का आत्मा करे, आपके सिस्टम सब चेंज होने वाला है, आपकी परिस्थितियां बदलने वाली, आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा करे, मैं इसी समय तुम्हें आजाद कर रहा हूं। कोई मैं देख रहा हूं, कोई विद्या बहन तेरे घर में कोई दुष्ट आत्मा है, और इसी समय कोई ज्योति बहन तेरे घर में कोई दुष्ट आत्मा तेरे शरीर में है, और इसी समय बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसके बाद ये पानी पी लेना जो मैंने प्रार्थना किया अभी। और इसी समय मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूँ कि अपने हाथों में पानी पकड़ो, और ये पानी आज आपको पीना नहीं है, मैं जो प्रेयर कर रहा हूँ आप दोबारा से अपना पानी लो, और जो मैं प्रेयर कर रहा हूँ अपने घर के हर एक कोने के अंदर आज ऐसे करके डालना, यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ऐसे करके और फिर डालना, मैं पिता यीशु मसीह के नाम से यीशु का लहू लगाता हूँ इस पानी पर। और मेरे प्रभु आज जो लाइव में ऑनलाइन मुझे देख रहे, मेरे प्रभु जिस स्थान पर ये सच में तेरा जल डाल दें, क्योंकि आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, और परमेश्वर मेरी प्रेयर आज जल के ऊपर मंडला रही है। और मेरे प्रभु इसमें अनॉइंटिंग आ रही है, जो इन्होंने हाथ में जल पकड़ा है, मेरे पिता जब ये जल इनके पेट में जाए, जब जल इनके घरों में दीवारों पर, इनके बिस्तरों पर, और इनकी गाड़ियों पर, इनके बिजनेस पर पड़े, इनकी दुकान पर पड़े, इनके बच्चों पर पड़े, और इसी समय इनकी परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रभु 7 दिन में रिजल्ट आए, मैं तेरा दास हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ तेरे नाम से, मैं घोषणा करता हूँ कि 7 दिन में इनकी जिंदगियों में रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप खुश नसीब लोग हैं, ये पानी अपने घर में डालना, और परमेश्वर का आत्मा बोला 7 दिन में। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ा काम होगा, लेकिन मैं कुछ देख रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे में मुझे आत्मा ने बताया, जैसे चिली में फिर कहीं भूकंप आने वाला है, और बहुत तकड़ा, कोई बाढ़ भी आ सकती है, भूकंप भी आ सकता है। और मुझे ऐसे दिखाया परमेश्वर के आत्मा ने, जैसे जापान में समुद्री लहरें फिर आ सकती हैं, मैं ये 6 महीने के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ी, छोटी नहीं, बहुत बड़ी। और मैं जब प्रार्थना कर रहा था, आँख बंद करके मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इंडोनेशिया को बार बार चेतावनी दे कि सुधर जाओ, बेदारी आने वाली है, प्लीज़ आप इंडोनेशिया के लिए प्रार्थना करें। सब देश आपके लिए, आपके भाई बहन हैं, आप सबके लिए दुआ करें, चाहे कोई भी देश है। लेकिन मैंने नए साल पे एक बात बोली थी कि चाहे कुछ भी हो, विपत्तियां बाहर के देशों में सुनोगे, लेकिन भारत के ऊपर परमेश्वर की दया बनी रहेगी। बड़े भूकंप के झटके आए, लेकिन परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। यह हमारी प्रार्थना से परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। पवित्र आत्मा आपको सुरक्षित रख रहा है, आपके देशों को सुरक्षित रख रहा है, आपके शहर को, आपके गांव को सुरक्षित रख रहा है। लेकिन मैंने आंख बंद किया तो मुझे रूस के लिए ऐसे दिखाया, ज्वालामुखी फटते हुए दिखाया, मैं कोई आग गिरता हुआ देख रहा हूँ रूस पर। और ऐसे मैं चाइना के ऊपर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई आग निकल रही है। मैं समुद्र पर कुछ शैतान को पैर रखते देख रहा हूँ, और बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप अपने भारत देश के लिए दुआ करो। प्रभु का आत्मा ब्लेस करने के लिए जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ जैसे चीनी नेपाली लोग हैं, और कुछ मैं इंडियंस देख रहा हूँ, कुछ मैं बाहर फॉरन के लोग देख रहा हूँ, काले लोग देख रहा हूँ, कुछ मैं गोरे लोग देख रहा हूँ, मैं ऐसे ज़्यादातर यूरोप के अंदर देख रहा हूँ। कुछ लोग सड़क पर निकल रहे हैं, और मैं आँख बंद करता हूँ, वो सड़क पर निकलते हैं और हल्ला मचा रहे हैं, शायद उनको देश से निकाला जा रहा है, ऐसा मैंने एक ड्रीम्स में देखा। और फिर मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने मुझे कहा कि इन लोगों को बोलो स्पेशल प्रेयर करे अपने लिए, जो इस प्रेयर में शामिल है, जो फॉरन में रहते हैं, मैं उनके लिए खास कर बोल रहा हूँ, किसी को देश से निकलना पड़े, लेकिन अगर आप ये प्रेयर सुना रहे हो, आपका बच्चा, आपके परिवार के लोग अगर वहाँ पर हैं, आपको यूरोप से, इटली से, जर्मनी से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, आपको कोई भी, आपको दुबई से, दोहा कतर से, आपको कोई देश छोड़ना नहीं पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप लोग जो मेरी प्रेयर सुन रहे हो, क्योंकि मेरा ड्रीम्स कभी और मेरी प्रोफेसी जो प्रभु ने मुझे दिखाई, जो मुझे दर्शन दिखाया, जो मुझे बताया, वो झूठा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। अगर आप ये प्रेयर उन्हें सुनाओगे तो सुरक्षित हो जाएंगे वो। जो लोग फॉरन में कमारने के लिए गए हैं, आत्मा में आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रभु जो लोग रह रहे हैं वहां पर, मेरे पिता परमेश्वर दया कर उनके ऊपर। और सच में पवित्र आत्मा जी, इंडियंस क्या, पाकिस्तानी क्या परमेश्वर, नाइजीरियन क्या, साउथ अफ्रीकन क्या परमेश्वर, नेपाली क्या परमेश्वर, पवित्र आत्मा कहीं से भी लोग गए हैं परमेश्वर, मेरे पिता इनकी फैमिली जो बच्चे पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए गए हैं, मेरे प्रभु जो तूने मुझे दिखाया है परमेश्वर, प्रभु कोई मुसीबत इनके ऊपर ना आने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रभु ये मेरी प्रेयर को जो सुन रहे हैं, इनके बच्चे भी आज आशीषित हो जाए, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और जिनके पास PR नहीं है, डरे डरे घूम रहे हैं कि शायद हमारे पैसे खराब ना हो, वापिस लाना पड़े,
इसी समय उस दुष्ट की आंखों को बंद कर देता हूँ। आमेन। जैसे अलीशा ने आंखें अंधी कर दी शत्रुओं की, याद रखना मैं उन आंखों को बंद करता हूँ, आपको देख नहीं पाएंगे, आप फौरन अच्छे से रहेंगे और जॉब भी करेंगे, काम भी करेंगे, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके घराना दुष्ट को दिखाई नहीं देगा जो आपको निकालना चाहता है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इसी समय दुष्ट को बांध देता हूँ। और इसी समय आप जो फौरन में इनके बच्चे आशीषित हाथ से डबल कमाई करें यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आए इनके घर में। और आज जो मुझे इंडिया से भी देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र से भी देख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से और बिहार से, कहीं से देख रहे हैं, केरला, नेपाल से, उड़ीसा से, पाकिस्तान से, कहीं से देख रहे हैं, मेरे पिता आज से इनके घर में अगर एक कमाता है, आज से इनके घर में अगर पांच मेंबर है, पांच के पांच कमाने वाले हो जाएं, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, आमीन। आज से आप पांच के पांच कमाने वाले होंगे। और सच में आपकी एडियो के ऊपर से आज से शराब हटाए। प्रभु ने मुझे कहा इस प्रार्थना के बाद आप जहां भी आप पैर रखेंगे आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके पैर शुद्ध किए आज यीशु मसीह ने। मैंने इसलिए कहा था पानी डालना अपने घर में, और फिर जब आप आज यीशु के लहू की जय जयकार करेंगे, हालेलुया के नारे लगाएंगे, फिर आप जहां पैर रखेंगे आप सफल होंगे। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बोला 7 दिन के अंदर आपके बंधन टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज को देंगे मुझे 7 दिन, 3 महीने, 120 दिन, आप नोट कर लेना। कुछ लोगों को ऐसे परमेश्वर गवाहियां देगा। पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। हम देखते हैं अभी इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो मेरे पीछे इस लास्ट प्रेयर को, आप मेरे पीछे मुंह से अंगीकार करो और बोलो हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, आज दिन भर की रोटी हमें दे, जैसे हम अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, बोर परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है परमेश्वर। आमीन कहो, आमीन। और परमेश्वर मैं सच में, चाहे आज वो मुझे पहली बार देख रहा है पवित्र आत्मा जी, सच में इसकी गवाही आने पाई परमेश्वर मेरे प्रभु, चाहे कितना ही दर्द में हो परमेश्वर, कितनी परिस्थिति में हो परमेश्वर, इसको पता लगने पाए कि पवित्र आत्मा आज का वचन कह रहा है कि तू मुझे मुंह दिखाया कर 3 बार और तू मेरे नाम के नारे लगाया कर, मैं तेरे बंधन तोड़ूंगा। परमेश्वर तू कह रहा है पवित्र आत्मा बंधन तोड़ेगा, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी। और ये लोग आज इसी समय अपने रिश्तेदारों को भी जब शेयर करते हैं इनकी जिंदगियों में सक्सेसफुल इसी समय ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बनी रहे, आमीन। मैं आपको एक गुड न्यूज दे रहा हूं अपने लोगों को के संडे के लिए मैं आपके लिए कुछ खास प्रार्थना करने वाला हूं। जिन लोगों के पास खासकर पीआर नहीं और फॉरेन जाना चाहते हैं, अपना पासपोर्ट लेकर बैठना, मैं उनको खुशखबरी दूंगा सिर्फ 3 दिन में। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं कुछ आपको खुशखबरी मिलेगी। मैं संडे को सुबह आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और आप देखो कि मैंने प्रार्थना किया एक बहन के लिए नाम लेकर, और ऐसे कर रहा था मैं, जब आप गवाहियां सुनते हैं तो आप विश्वास करें, एक स्वर्गदूत यहां से, जब मैंने प्रार्थना किया यहां से एक एंजल आपका पीछा कर रहा लाइव में। मुझे पता है कि आप मुझे नहीं देख पा रहे, मैं आपको नहीं देख पा रहा, लेकिन आप मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आत्मा मुझे दिखा रहा है और मुझे बोल रहा है कि मैं देख रहा हूं, मैं फिर से देख रहा हूं, मैं ऐसे देख रहा हूं, बन्नी गुड्डी गुरदासपुर, मैं कह रहा हूं तो इटली जाने वाली है, आपका रंग बहुत गोरा है और आपके पीछे पिंक दीवार आपके घर में, और परमेश्वर का आत्मा, अगर आपकी नवी नवी शादी हुई है आपको इटली में, यूरोप में कहीं पीआर मिलने वाली है, आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, अभी वीजा मिलने वाला है, गुड्डी ऐसे कुछ नाम है आपके, परमेश्वर का आत्मा जल्दी कार्रवाई कर रहा है। और इसी समय स्वर्गदूत जा रहे हैं, लेकिन जब आप गवाहियां सुनते हैं तो छुटकारे होते हैं। और वो ही सेम प्रॉब्लम जो गवाही में आपको आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है, जब आप गवाही सुनते हैं तो वो एंजल जाते हैं। ये तो मेरे साथ होता है और किसी के साथ हो ना हो, लेकिन मेरे साथ जरूर होता है जब मैं किसी को गवाही सुनाता हूं, जो लोग सुन रहे होते हैं वो हीलिंग को पा रहे होते हैं। हम देखें अगर जो किसी को खांसी जुकाम बुखार है या कोरोना वायरस का डर है तो वो देखे इस कोरोना वायरस की गवाही को, देखो परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में चमत्कार किया, हम दिखाएंगे अभी। After listening to live prayer prophecy free from coronavirus, let's listen to the prophecy. मेरा नाम सोनिया है, मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ, स्टाफ नर्स। हम दोनों हस्बैंड वाइफ 3 जून को कोरोना पॉजिटिव हुए थे, और जिसके कारण हमें 14 दिन का क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन बोला गया था। हम पहले जब रिपोर्ट आई तो हम लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि हमारे 2 छोटे बच्चे हैं। हमने पास्टर बजिंदर सिंह, इनकी मिनिस्ट्री हमने देखी, उस टाइम आपने प्रोफेसी की कि जो भी इस वक्त ये मेरी प्रोफेसी सुन रहा है उसके घर में गुड न्यूज़ आने वाली है, और यदि वो किसी बीमारी से अगर ग्रसित भी है तो वो लोग चंगाई पाने वाले हैं। प्रभु बोझ लेने के बाद इनकी बीमारियां इसी समय जाती रही यीशु मसीह के नाम में। और हमने आपकी उस प्रोफेसी को ग्रहण किया, रिसीव किया। आपने बोला एस नाम वाले
और बहुत सारे नाम आपने बोले जिसमें हम तीनों का नाम एस से आता है। मैं देख रहा हूँ एस एम और एन और के नाम वालों के लिए पवित्र आत्मा खुशखबरी देने के लिए जा रहा, आपकी स्माइल वापिस आ रही है। और हमने जब उसे रिसीव किया कि आपके घर में तीन तीन गुड न्यूज आने वाली है, और हमने आपकी उस बात को रिसीव किया कि हमारी तीनों की, एक की नहीं दो की नहीं, तीनों की रिपोर्ट हमारी कोरोना वायरस की नेगेटिव आई। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, पास्टर बजिंदर सिंह को और उनकी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो इन गवाहियों को सुन रहे हैं उनकी जिंदगियों में काम हो रहे हैं, कोई पूजा, टोनी, सोनी और राहुल, अरुण, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो बहुत निराश हैं और फ्लोप हो रहे हैं बार बार, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आपको, आपने किसी पेड़ पर तागा बांधा है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु आपको जानता है। आपने किसी, मैंने जो नाम लिए अभी के टोनी, सोनी, ऐसे में जो कुछ देख रहा हूँ, अरुण, पूजा, आपने किसी, आपके परिवार में से किसी ने बांधा था, आज ये मुंह से बोल कर के परमेश्वर मैं उस शराब को तोड़ती हूँ, मुझसे कोई गलती हुआ माफ़ कर, किसी आपने किसी कोई चीज़ को बांधा था, आपने अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है। और देखो जिन लोगों को शुगर है, मैं कह रहा हूँ कि अभी जिन्होंने गवाही सुना उनके घर में कोई भी कोरोना वायरस, कोई भी खांसी, जुकाम, बुखार नहीं रहेगा, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। और इसी समय जो लोगों को शुगर है, डायबिटीज है, मैं एक एक के साथ आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ सुने, देखो शुगर की गवाही सुने आप। Free from diabetes after listening to prophecy in live prayer. Now let's listen to Prophet G's prophecy. मेरे मम्मी जी का शुगर प्रेशर था, मम्मी जी का इंसुलिन लगाना पड़ता था, पापा जी ने कहा था शुगर प्रेशर जो जा रहा है रिसीव करो। मैं कह रहा हूँ कि आपको डायबिटीज, शुगर, थायराइड, ऐसा कोई प्रॉब्लम महसूस हो रहा है या कोई काला पीलिया महसूस हो रहा है, आत्मा कह रहा तुम हीलिंग को देख रहे हो, रिसीव किया था मेरे मम्मी जी के लिए, वो अभी बिल्कुल ठीक है। मेरे मम्मी जी है, उसके लिए मैंने रिसीव किया था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, पापा जी प्रोफेट विजेंद्र सिंह पापा जी को भी धन्यवाद देती हूँ, सारा मिनिस्ट्री को धन्यवाद देती हूँ। ये बहन वेस्ट बंगाल से थी और उससे पहले आपने यूपी से देखा, मतलब परमेश्वर काम कर रहा है यहीं पर बैठकर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम से आप हीलिंग को देखने वाले हैं। अपने हाथों को फिर से उठाओ एक बार और बड़े आश्चर्य कर्म को आप देख रहे हैं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगियों में 100 गुना छुटकारा होना पाए, प्लस इन द नेम ऑफ जीसस। शुगर, डायबिटीज, पथरियां, रसौलियां, कैंसर, बार हर एक दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम बाहर इसी समय। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर से कह रहा हूँ कि टी आर एस एम एन पी नाम वालों को बेटा होने के लिए जा रहा है इस बार, और कुछ एल और एस एन के पी नाम वालों के लिए जॉब के लिए परमेश्वर काम खोल रहा है, तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी बड़ी जल्दी। हाँ हाँ सुनेंगे गवाही और परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, सुने ध्यान से। Blessed with miracle money after listening to prophecy in live prayer. Let's listen to Prophet G's prophecy. सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरा नाम दिव्या, मैं लखनऊ से। पापा जी मैं पिछले संडे आपका वीडियो देख रही थी लाइव, और आपने मिराकल मनी के लिए कहा था, भविष्यवाणी की थी सबके लिए, और एटीएम कार्ड और अकाउंट्स ब्लेस किए थे, अकाउंट नंबर और उनके बैंक अकाउंट में मिराकल मनी होने वाला। तो मैंने भी रिसीव किया कि खुदा मेरे जीवन में मिराकल कर चुका है, और मैंने सेकंड डे देखा मेरे अकाउंट में 14,000 रूपए की मिराकल मनी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और पापा जी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आपने अभी इसी गवाही को सुना, परमेश्वर ने चमत्कार किया इस बहन के साथ, मिराकल मनी हुआ। अब मैं फिर से कह रहा हूँ 7 दिन में आप मिराकल मनी को देखेंगे। जो लोग इस मिस्ट्री में बीज बोते हैं, दशमांश देते, बीज बोते हैं, परमेश्वर चाहता है कि उनके ऊपर से बंधन तोड़े जाएं। और मैं आपके लिए प्रेयर करूं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर प्यार करता है उनसे। और जो लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा डबल हो और परमेश्वर आशीषें दे, परमेश्वर डबल आशीषें देने वाला परमेश्वर है। आइए अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रभु जिन लोगों ने इस मिनिस्ट्री में बीज बोया है परमेश्वर, भेंट, दान, दशमांश दिए हैं पवित्र आत्मा जी, और जो लोगों ने सच में मेरे पिता लाइव के लिए, चर्च बिल्डिंग के लिए पवित्र आत्मा जी बीज बोया, मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए, खासकर जिन्होंने अपनी फोटो में भेजकर रजिस्ट्रेशन कराया पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ खासकर, और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके ऊपर से हर एक कर्जा
खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना मिराकल मनी को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से डबल होने पाए, 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 डबल होने पाए। फंड को रिलीज करता हूँ, स्वर्ग से फंड को रिलीज कराता हूँ, स्वर्ग से फंड को रिलीज कराता हूँ, मैं फंड को रिलीज कराता हूँ। आज से इनके बैंक में फंड को रिलीज कराता हूँ। आज से बढ़े यीशु मसीह के नाम में, 100 गुना बढ़ जाए। पिता यीशु के नाम से मैं एंजल को भेजता हूँ, जाओ इनको बढ़ाओ यीशु मसीह के नाम में, और गवाही के साथ है यीशु के नाम में। आमीन। जो लोग इसराइल से प्यार करते और दुआ करते उस देश के लिए, परमेश्वर उनको 100 गुना बढ़ाएगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इसराइल को ब्लेस करो, जो मुझे इसराइल से भी बात कर रहे हैं, जो इंडिया से भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी, अमेरिका, इंग्लैंड से, कहीं से, आसाम, छत्तीसगढ़ से, परमेश्वर के आत्मा मुझे बोल रहा है, यूरोप से भी जो मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे अभी मैसेज दिया कि मैंने उनको अभी 100 गुना आशीष दिया, अभी आप डबल होंगे, इसाक की तरह आप 100 गुना काटेंगे। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी जिंदगी में, बड़ी बढ़ोतरी करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस हैं। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, हालेलुया के नारे लगाने हैं 120 बार दिन में, और आपको क्या करना है, जितनी बार आप लगा सकते हैं दम है आपके अंदर, लेकिन और आपको मुंह दिखाना है। आप मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को, जब आप मिनिस्ट्री में बीज बोते हैं मुंह दिखाई दे रहे हैं। याद रखना, परमेश्वर आपके बंधन क्यों नहीं तोड़ेगा, याद रखना परमेश्वर आपके बंधन तोड़ेगा। हम सारा दिन प्रार्थना में बैठते हैं, हम सरकारी जॉब नहीं करते, लेकिन मेरे पास 500 लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं 500 लोग, मैं उनको सैलरियां देता हूँ। याद रखना ये परमेश्वर का आत्मा है। आप लोग जो बीज बो रहे हैं, आप जो लोग मुंह दिखाई दे रहे हैं परमेश्वर को, पवित्र आत्मा आपके काम बनाने वाला है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, और वो आज रात आपको ड्रीम्स में वाच करने वाला है। तो हम मिलेंगे संडे को। गॉड ब्लेस यू सबको, जय मसीह की। आइए हम गवाही सुनेंगे। After listening to prophecy and live prayer free from depression, now let's listen to the prophecy of Prophet G. अभी को जय मसीह की। मेरा नाम मंगल सिंह, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। मैं 14 महीने से लगातार डिप्रेशन में था, जिसे एक पल भी मुझसे रहा नहीं जाता था। संडे के मीटिंग में जब उन्होंने बोला कि लाइव देखने वाले के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने ऑनटिन ऑयल लेके जिसको जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वहाँ लगाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जब ये ऑनटिन वाटर और ऑयल लगाए, बड़ी शांति आ जाए। मैंने सर पे लगाया, उसके बाद मेरी पूरा उल्टियाँ चालू होने लगी। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने डिप्रेशन से चंगाई दी। इसके लिए बहुत बहुत प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रॉफिट जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। After listening to prophecy in live prayer, lump comes out. Now let's listen to the prophecy of Prophet Bijinder Singh Ji. मेरा कमर में दर्द था, मेरा कमर में एक गांठ था, वो कमर में मेरा ज्यादा से ज्यादा दर्द रहता था। प्रॉफिट जी ने कहा था आर नॉर्मल और हीलिंग देख रहे, और किसी के पीठ में दर्द है और गांठ जाए यीशु मसीह के नाम। मैंने रिसीव किया था, गांठ थी वो पकड़ में आता था, एक साइड बहुत ज्यादा दर्द करता था, वो ठीक हो गया। मेरा परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, पापा जी को भी धन्यवाद देती हूँ। पापा, इस बहन का नाम मीनाक्षी है, और ये अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं इनको 10 साल से यूट्रस में बच्चा दानी में 10 mm की रसौली थी, और डॉक्टर्स ने इनको ऑपरेशन तक बता दिया था, और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। जब ये चर्च में आए, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेकर गए, इन्होंने यूज किया, और आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके यूट्रस में रसौलियां हैं या पथरियां हैं, आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने विश्वास से अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया, और आज ये बता रहे हैं कि नॉर्मल रिपोर्ट के साथ है, इनकी 10 mm की रसौली धुआं बनकर उड़ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। बच्चेदानी में रसौलियाँ थी, और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला था। दोनों ओवरीज में मेरी बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट थी। मैं सबसे पहले डेरा बाबा नानक में आई थी, और वहाँ पे मैंने प्रोफेसी रिसीव की। फिर मुझे पता लगा कि चंडीगढ़ में चर्च लगता है, और मैं 3 बार आई, इन्होंने प्रोफेसी की कि जिनकी रसौलियाँ हैं वो धुआं बन के उड़ने वाली हैं, और मैंने पूरे 3-4 बार जब मैंने वो करवाई अपनी रिपोर्ट, और वो बिल्कुल नॉर्मल कुछ भी नहीं। यूट्रस में रसौलियां बताई थी, और अब ये नॉर्मल रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट है।
इसमें हम कोई भी रसोली नहीं है, लेकिन अनॉइंटिंग वाटर ऑयल जब इसने लिया उसके बाद ये बिल्कुल टोटल फ्री हो गई। जब भी मैं आती थी हमेशा एक दोनों बॉटल्स लेके जाती थी और हमेशा नेक्स्ट टाइम वो खत्म होती थी। मैं हमेशा जब भी आती हूँ बोतलें लेके जाती हूँ और पीती हूँ और उसमें बहुत बहुत अभिषेक है। बिल्कुल आप सब लोग वो यूज करें और लोगों को भी बताओ, बिल्कुल सब चंगे हो जाएंगे। कि जो लेडीज प्रेग्नेंट नहीं होती है परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा और इन्होंने विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया और आज ये बहन 2 months प्रेग्नेंट है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि जिस बीमारी का इलाज नहीं है, मैं कह रहा हूँ इलाज है, लेकिन प्रेयर के बाद प्रार्थना आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाली है यीशु मसीह के नाम में। 6 साल से दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, देसी और अंग्रेजी दवाइयां खिलाई। फिर मेरी सिस्टर की लड़की ने मेरे को यहाँ के बारे में बताया और मैंने विश्वास किया। मैं फर्स्ट 3 महीने पहले यहाँ चर्च में आया और मैं यहाँ से इंडिगो ऑयल और वाटर लेके गया और पूरे विश्वास के साथ यूज किया। फिर मैं लाइव देखता रहा और तो अभी 2 महीने से प्रेग्नेंट है और मैं गवाही के साथ यहाँ पहुँचा। शायद दूसरा बच्चा होगा कि नहीं, जगह जगह इलाज कराया कह रहे, जगह जगह गए लेकिन कोई कुछ कोई राम नहीं आया। देखो इसको पता है, मैं इसलिए पूछता हूं कई बार कि इसका दर्द आपको सच्ची गवाही दे रहे कि नहीं। इसके आंसू ये गवाही दे रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं शायद अपने ही लोग खड़े कर दिए। मेरे को जानते हो कहीं आप मिले हो कहीं से? नहीं मिले जी। देखो मेरे से कहीं नहीं मिले, ना मुझे जानते ना कोई फोन नंबर है, लेकिन इसको पता है दर्द क्या होता है। लेकिन सच में परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर जो इनको प्रॉब्लम्स हैं, आप रात को रो रो कर उनके लिए दुआ करो। मैं कह रहा हूं आपकी भी सुनने वाला है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। 6 साल के बाद इसने क्या नहीं किया होगा, लेकिन 6 साल बाद इसने एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया। अभी पता लगा इसको कुछ महीने पहले जी। कितना टाइम हुआ? दूसरे महीने में गवाही के साथ आकर खड़े हुए विश्वास के साथ। ये कौन है? यीशु। तू जा खुल जाएगा एक दरवाजा बंद। प्रॉफिट ये बता रहे कि ये बहन पिछले 3 साल से कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ। ये यहाँ चर्च में आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जो लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है परमेश्वर उन्हें स्वर्ग से ब्लेस करेगा। इन्होंने इन वर्ड्स को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया और आज 3 साल के बाद ये 3 months प्रेग्नेंट है। मेरी भाभी है, ये पहली बार चर्च में आई थी तो प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके पास बच्चा नहीं है उनको मिलने के लिए जा रहा है। और मेरे भाई भी मेरे साथ में आए थे तो प्रॉफिट ने कहा था कि मतलब कोई परवीन नाम का लड़का आया है जो बेबी मांग रहा है और उसने येलो कलर की शर्ट पहन रखी है। तो हमने उसी टाइम प्रार्थना प्रॉफिटिक वर्ड को रिसीव किया और उसी महीने मेरी भाभी ने बेबी कंसीव किया। 3 साल हो गए, 3 साल बच्चा नहीं था, लेकिन ये भविष्यवाणी को जैसे सुना। मेरी बात सुनो, बेशक आप मेरे पास तक ना पहुंच पाओ, लेकिन यहाँ बैठना आपके लिए कंपलसरी है। यहाँ पर बैठना ही आपके लिए आशीष का कारण है। चर्च यीशु मसीह आपके बीच में है। बरकता देवे ते अज तुसी अपना बीज परमेश्वर नू प्रसन्न करन वास्ते ओदे कम्मां वी चलाओ। मेरे कहन दा मकसद आ कि जिवें साडा चर्च जलंधर ताजपुर विच बन रहा है ते चंडीगढ़ विच बन रहा है ते तुसी उत्थे आके बीज बो सकदे हो। परमेश्वर तुहानू बहुत ब्लैस करेगा। ते इह साडा अकाउंट नंबर हैगा थले टीवी स्क्रीन ते तुसी देख रहे हो। ते परमेश्वर दा आत्मा कहंदा कि जिहड़े बीज बोणगे ओह जरूर फलणगे। ते मेरा विश्वास आ कि जिहड़े इस मिनिस्ट्री नू प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच बीज बो रहे ने इस मिनिस्ट्री विच ते ओह बहुत फल रहे ने। ते मेरा आशीर्वाद है ते मैं उन्होंने वास्ते प्रार्थना करदा कि वो बहुत सारे आशीष पाण। मैं उन्होंने वास्ते प्रार्थना करें। आइए आप अख बंद करिए, जिन्हें टीवी स्क्रीन पर हाथ रख रहे हैं आज वो अपनी लाइफ विच मिराइकल मनी की आशीष देख रहे हैं। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करदा कि आज इन्हों के बिजनेस
बढ़ जाण यीशु दे नाम विच। मैं प्रार्थना करदा पवित्र आत्मा जी ऐसी वेले इन्हां दी तरक्कियां स्टार्ट हो जाण, जॉब लग जाण, अज गवर्नमेंट जॉब दी आशीष मिल जाए। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करदा ऐसी वेले इन्हां दा पैसा किसी ने मारिया ऐसी वेले इसी वेले पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करदा कि वह वापिस आ जाए यीशु मसीह दे नाम विच। मैं प्रार्थना करदा कि जी किसी ने पैसा लाया है परमेश्वर लेकिन वह फल नहीं रहा, ऐसी वेले इन्हां दा बिजनेस फलन लग जाए। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करदा धन दी आशीष इन्हां दे उत्ते आ जाए। मैं अनोइंटिंग नूं छड्दा यीशु मसीह दे नाम विच, धन दी आशीष प्राप्त करन जिन्हें मैं देख रहे हैं अज तो बरकत इन्हों के बच्चों उत्ते, इन्हों के परिवारों उत्ते, इन्हों के बिजनेस उत्ते, इन्हों के घर उत्ते बरकत 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 यीशु मसीह के नाम विच आ जाए। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करदा तू बरकत दिती है, पवित्र आत्मा तुहानू ब्लैस कर, आमीन। अगर आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं तो आप भी जरूर आए द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 0172-510-777। अपनी आशीषों को पाने के लिए और प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं तो आप भी जरूर आए द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 0172-510-777। अपनी आशीषों को पाने के लिए और प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें।